दिख रहा है आपके इनकम? हाँ, दिख रहा है। तो आज हमें जावा का जो है ना एंटरप्राइज एडिशन के बारे में पढ़ना है। तो ये जावा एंटरप्राइज एडिशन में जो अवेलेबल है टेक्नोलॉजी, उसका एक कंप्लीट ये मैप या लिस्ट है। फर्स्ट पार्ट जावा लैंग्वेज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बाद डेवलपमेंट टूल्स और एपीआईज हैं, जैसे जावा, जावा सी, जावा डॉक, APT, JAR, Java P, JPDA। के बाद जावा सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर्स हैं, RMI, IDL, मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग, JVM, TI हैं। तो मेनली आज उसमें हम मेनली पढ़ेंगे JSP और सर्वलेट। इसमें ढेर सारे पार्ट हैं जावा में ही, XML भी था या XML भी है, जिससे हमें XML XFT पे भी वर्क भी चल रहा है। इसके अलावा JCA कनेक्टर्स के लिए, जो इसी इंटरफेस सर्विसेज वगैरह में भी यूज करते हैं। ट्रांजेक्शन API भी है, JMS मैसेजिंग सर्विस है, जिसमें कि हमारे पास ई ऑब्जेक्ट वगैरह में इनवॉल्व वगैरह कॉन्सेप्ट JMS से आया है। इंटरप्राइज जावा बींस है, RMI है, रिमोट में इनवोकेशन है, JDBC है डेटाबेस कनेक्शन के लिए, जावा मेल है ईमेल वगैरह भेजने के लिए, फिर सर्वलेट JSP है। तो ये से भी इंटरप्राइज एडिशन के पार्ट्स हैं। ये बता रहा है कि जैसे हमारे पास EJB होता है, इंटरप्राइज जावा बींस, वो कनेक्टर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सर्वलेट JCP से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और फ्रंट एंड में हमारे पास जो मोबाइल है, HTTP है, फायरवॉल है, SOAP, UDDL, WHDL है, उससे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो प्रियंका, आपने जैसे वेब डेवलपमेंट कभी किया हो या करना हो, या जैसे अभी हम रजिस्ट्रेशन वगैरह मॉडल बना रहे होते हैं, सबसे पहले हमें जहां पे भी वो डिटेल स्टोर करने हैं उसके लिए एक डाटाबेस चाहिए होता है। इसके लिए हम ओपन सोर्स वगैरह कोई भी यूज कर लेते हैं, MySQL है, MariaDB है, पोस्टग्रेस है, और अगर पेड में जाना चाहते हैं तो Oracle वगैरह के हैं। और फ्रंट एंड में हम एक क्लाइंट में, जैसे क्लाइंट दिख रहा है वहां पे हम HTML में एक फॉर्म वगैरह बना लेते हैं, या फेसबुक वगैरह जब ओपन कर रहे होते हैं तो वो HTML है, वो जो व्यू है उस HTML व्यू में जब हम एक फ्रंट बना रहे हैं या फिर एक पोस्ट कर रहे होते हैं, वो फाइनली स्टोर कैसे होता है, वहां तक का जो स्टोरी है वही JSP सर्वलेट है। वो स्टोर वैसे ही नहीं हो पाता है, उसके लिए जावा में हम कोड लिखते हैं। अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन मॉडल वगैरह लिखने के लिए कोड लिखते हैं, वो जो है यही JSP सर्वलेट में होगा। JSP का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेज, और सर्वलेट सर्वलेट है एक टेक्नोलॉजी है। और इसी में जब JMS की बात करते हैं, जावा मैसेजिंग सर्विसेज वगैरह की, उसके लिए हमें फिर एक EJB चाहिए होता है या कंटेनर चाहिए होता है, उसके लिए वो जहाँ रन करता है एप्लीकेशन उसे सर्वर बोलते हैं। जैसे आपने 2013 में जब काम किया था तो आप टॉमकैट वगैरह के साथ आपने काम किया था, वो सब वही सब सर्वर है। सर्वर का काम होता है JSP सर्वलेट वगैरह के जो कोड है उसे कंपाइल करना। हाँ, तो जो फ्रंट एंड से बैक एंड तक, जो फ्रंट एंड में आप सबमिट बटन पे क्लिक करती हो, जब सबमिट करती हो किसी भी फॉर्म को, वहां से सर्वर तक जो इंफॉर्मेशन जा रहा होता है उसके लिए जो साइकिल है उसे हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बोलते हैं। जब ब्राउजर पे क्लिक करते हैं बटन, तो जो जाता है वो आपका रिक्वेस्ट है सर्वर के पास। आप रिक्वेस्ट करती हो, आप फेसबुक ओपन कर रही हो, लॉगिन कर रही हो, फेसबुक पे आपको लेफ्ट साइड में सारे फ्रेंड की लिस्ट दिखाए जा रहे हैं, आपके टाइमलाइन पे आपके फ्रेंड्स और आपने जो पोस्ट किए वो दिखाए जा रहे हैं, तो वो डेटाबेस से आ रहा है। तो पहले जैसे ही आपने होम पेज पे क्लिक किया है तो एक रिक्वेस्ट गया है,
डेटाबेस के पास, वहां से रिस्पॉन्स में वो सारे एज अ टेक्स्ट आपके पास आए हैं, तो ही उसमें पेज पे डिस्प्ले हो पा रहे हैं। उसके बाद आपका मन है कि चलो आप अब अदिति का फेसबुक प्रोफाइल देखना है, आपने क्लिक किया अदिति के नेम के पास, इस टाइम में वो सर्वर के पास गया एक रिक्वेस्ट कि आप अदिति का पेज देखना चाहती हो। अब सर्वर एक रिस्पॉन्स देगा कि ये है अदिति का पेज, ये है अदिति के फ्रेंड लिस्ट, ये है अदिति का पोस्ट। वो सारे लिस्ट जो है फिर से वेस्टगेट में आपको दिख रहे हैं, वो रिस्पॉन्स है। फर्स्ट टाइम जब आपने क्लिक किया अदिति के नाम पे फेसबुक पे, जहाँ पे अदिति का नाम था वहां पे जब आपने क्लिक किया, वो सर्वर के पास गया, वो रिक्वेस्ट है, ये है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ऐसे ही जब हम एक ईएमआर बना रहे होते हैं, पेशेंट को रजिस्टर करना है, तो रिसेप्शन पे जब नर्स क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन जब डालती है सामने जो पेज होता है जिसे हम क्लाइंट बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं, जब सबमिट पे क्लिक करती है तो वो एक रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास, सर्वर उसके पे प्रोसेस करता है, उसे स्टोर कर लेता है डाटाबेस में, वहां से फिर वो एक रिस्पॉन्स भेजता है। नॉर्मली रिस्पॉन्स के लिए हमने कुछ कोड वर्ड्स बना रखे हैं, तो वो रिस्पॉन्स में बोलेगा 200, हम बोलेंगे ओके 200 में चलो स्टोर हो गया। तो ये है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। एक साइड में जहाँ पे कंप्यूटर बना है आप समझ लो कि वो फ्रंट एंड है, जहाँ पे सर्वर बना हुआ बैक एंड है। मैंने भी बोला वही से एक्सप्लेन किया गया है कि यूजर एक ब्राउजर पे क्लिक करता है, एक रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाता है, सर्वर वो पेज फाइंड करता है, जैसे हमारे केस में अदिति का फेसबुक पेज या राघव का फेसबुक पेज, रिटर्न में वो एचटीएमएल पेज यूजर लेता है और उसे डिस्प्ले करवाता है। ये एक सबसे सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है जो वेब में यूज होता है। इसके बाद आज आप इंटरनेट पे जो भी देख रही हो, जो कुछ भी, जितने भी वर्क हो रहे हैं, यही प्रिंसिपल है, यही चीज है, इस पे ही सब कुछ है। इंटरनेट हमें इतना पावरफुल लगता है, इतना पावरफुल है, सब कुछ हो रहा है, यूट्यूब पे हम वीडियोस देख रहे हैं, प्राइम पे देख रहे हैं, न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया पे पढ़ रहे हैं, भास्कर पे, ये सब बस इसी एक बेसिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल और वो कुछ कोड वर्ड्स पे बेस्ड है। तो जब हम बोलते हैं कि ब्राउजर से सर्वर को हम कोई भी कॉल कर रहे हैं और सर्वर हमें वापस कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हमेशा ये होगा कि जो ब्राउजर बोल रहा है वो सर्वर समझ सके और सर्वर जो रिटर्न में बोल रहा है ब्राउजर समझ सके। तो ये दोनों एक ही भाषा, एक ही लैंग्वेज बोले, इसके लिए जब ये डेवलप इंटरनेट हो रहा था, कंप्यूटर साइंस जब अपने डेवलपमेंट फेज में थी, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, ब्राउजर जो समझेगा उसे हम एचटीएमएल बोलेंगे और जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो प्रोटोकॉल एचटीटीपी होगा। तो एचटीएमएल है कि वो पेज कैसे डिस्प्ले होगा। जब हम बोलते हैं कि एक फेसबुक पे हमें जब किसी के प्रोफाइल में जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में उसका इमेज दिखाना है, और जब हम ये बोलते हैं कि टाइमलाइन में हमें पोस्ट दिखाने हैं, तो पोस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इमेज हमारा जेपीजी इमेज फाइल्स है, तो ये जो डिस्प्ले होना है, ये जो हमें दिखाना है, ये किस तरीके से डिस्प्ले होगा, या ये कलर ब्लू कलर का एक वो हमें दिखाना है, या फ्रेंड लिस्ट में हमें स्मॉल स्मॉल साइज के इमेज दिखाने हैं, ये चीजें कैसे दिखेगी एंड यूजर को, वो एचटीएमएल है। एचटीएमएल में हम बताते हैं कि चलो यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करो, लेफ्ट साइड में करना है, राइट साइड में करना है, सेंटर में करना है, इमेज का साइज ये होगा, इमेज के चारों तरफ अगर हमें एक बॉर्डर देना है तो वो बॉर्डर देंगे, ऊपर एक हेडलाइन देना है, हेडलाइन का साइज ये होगा, फॉन्ट ये होगा, इस तरह की चीजें हैं वो एचटीएमएल में आती है। डेवलपर्स होते हैं जो एचटीएमएल के कोड्स लिखते हैं, वेब पेज लिखते हैं, इसे हम फ्रंट एंड डेवलपर्स भी बोलते हैं। नॉर्मली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो हमें दो तरह के डेवलपर्स चाहिए होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर जो HTML के कोड लिख सके और एक बैकएंड डेवलपर जो ये जावा JSP सर्वलेट्स कोड लिख सके। तो जैसे अभी हम रजिस्ट्रेशन मॉडल वगैरह लिख रहे हैं तो नॉर्मली हम फ्रंट एंड नहीं लिख रहे हैं, पर वही जब हमें एंड यूजर के पास जाना होगा तो हमें फ्रंट एंड भी चाहिए होगा। तो हमारे साथ जैसे ब्लू कैप में शिव अच्छे ये लोग फ्रंट एंड के कोड लिखते थे,
तो वो जो HTML में कोड लिखे जाते हैं फ्रंट एंड में, वो HTML है। और ये किस तरीके से जब हम एक क्लिक कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है सर्वर से, वो HTTP प्रोटोकॉल है। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है कि इससे फ्रंट एंड मीन ब्राउजर, जैसे हम क्रोम यूज करते हैं नॉर्मली, जो पुराने लोग हैं वो फायरफॉक्स और मोजिला वगैरह भी उन्हें याद होगा, और अगर और ज्यादा पहले यूज का तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह भी याद होगा। तो ये ब्राउजर और हमारा जो अपाचे वगैरह का सर्वर है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो HTTP है। जब ब्राउजर पे हमें टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना हो, या कुछ लोगों को भास्कर पढ़ना हो, या किसी को IBN पढ़ना हो, या किसी को फेसबुक ओपन करना हो, या पहले ऑरकुट ओपन करना हो, कौन सा वेबसाइट ओपन करना है वो टाइप करते हैं ब्राउजर में। ब्राउजर में हमेशा एक एड्रेस बार होता है, एड्रेस बार में हम कुछ टाइप करते हैं, उसके बाद ब्राउजर हमें वो पेज देता है। ब्राउजर के जो एड्रेस बार में जो हम टाइप करके इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है भेजते हैं, उसे हम गेट मेथड बोलते हैं। जैसे गेट नाम से ही पता चल रहा है हमें कुछ चाहिए। एड्रेस बार में जब हम टाइप कर रहे होते हैं कुछ भी, और सर्वर जब वो रिटर्न कर रहा होता है, वो है गेट गेट रिक्वेस्ट। तो इस तरह की चीजें क्यों है, या गेट हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम या ब्राउजर जब हम डेवलप कर रहे होते हैं, API लिख रहे होते हैं, तो हमें ये जानना होता है कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ट्रेस, इस तरह के मेथड क्यों यूज किए गए, क्या API है। अभी हम लोग इस मीटिंग से पहले एक मीटिंग में थे जिसमें डेमो दिखाया जा रहा था, जहाँ पे पेशेंट क्रिएट किए जा रहे थे गेट मेथड से, अपडेट किया जा रहा था पुट मेथड से, पोस्ट किए जा रहे थे पेशेंट को पोस्ट मेथड से, वो सब के मेथड से। और नॉर्मली हम जिस तरह के वर्क में है, डे टू डे हमें ये सारे आते रहते हैं, जब API के डेमो में देखे हों, या अभी ऐसे मेंबर्स को हम API बना के दे रहे होते हैं किस तरीके से फॉलो करो, वहाँ पे मेथड दिखाते हैं कि ये गेट होना चाहिए, ये पोस्ट होना चाहिए, ये पैरामीटर्स होने चाहिए, वो सारी चीजें यहीं से आती है, इसके HTTP प्रोटोकॉल से आती है, और यही इसका बेसिक है। तो बेसिक में सबसे पहले है गेट। जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हम गेट यूज करते हैं। गेट में सर्वर साइड पे हम कोई चेंज नहीं ला रहे होते हैं, कोड्स में कोई चेंज नहीं ला रहे होते हैं। जब भी हम URL में टाइप कर रहे हैं गेट, ये किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। गेट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कोई चेंज नहीं लाता है सर्वर पे, कोड्स में ये इंफॉर्मेशन सिर्फ देता है। सबसे सेफ माना जाता है इस मेथड को। कभी अगर किसी ने फेसबुक वगैरह पे देखा होगा, जब जब इंटर करते हैं तब तो नॉर्मल facebook.com होता है, लेकिन जैसे ही हम अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट या और लिंक को फॉलो कर रहे होते हैं, या फ्लिपकार्ट वगैरह पे ही किसी और लिंक को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो ब्राउजर के जो एड्रेस बार में सिर्फ facebook.com नहीं रह जाता, उसके साथ ढेर सारी चीजें ऐड होती जाती है। जैसे फ्लिपकार्ट पे ही अगर हम सर्च कर रहे हैं कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए जिसका ब्रांड नेम डेल हो और उसका साइज 14 हो, तो ये इंफॉर्मेशन जब हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं फ्लिपकार्ट पे, ब्राउजर पे ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन हम ब्राउजर में ऐड करते जाते हैं, जो नॉर्मली हम सर्च वगैरह के लिए यूज करते हैं पैरामीटर, तो उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स है, या एक आप किसी भी एड्रेस बार जो हमारा है क्रोम वगैरह का, उसमें भी हम देख सकते होते हैं, ये आगे गेट विजिबल नहीं होता है नॉर्मली क्रोम वगैरह में, लेकिन हम जब कुछ भी रिक्वेस्ट ले रहे हैं तो हमें पता होता है कि गेट है। उसके बाद डोमेन का URL होता है। डोमेन नेम का मतलब है, जैसे एक्सेस हेल्थ का ही हमारा डोमेन है accesshealth.org, ये हमारा डोमेन नेम, इसे हम डोमेन नेम बोलते हैं। facebook.com डोमेन नेम, flipkart.com डोमेन नेम। तो सबसे पहले मेथड गेट होता है जो विजिबल नहीं होता है नॉर्मली, उसका डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम के बाद कॉम, और इन सब के बाद जो भी वैल्यू हम और एक्स्ट्रा वैल्यू पास कर रहे होते हैं सर्वर के पास, उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। कोई डाउट आकृति, अदिति? नहीं।
और ब्राउजर नॉर्मली क्या है, जब भी ब्राउजर और सर्वर इंटरेक्ट करते हैं, हर कोई तो इंजीनियर नहीं है, फेसबुक, टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, करोड़ लोग यूज करते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो ब्राउजर इंफॉर्मेशन भेजता है तो कुछ चीजें वो हाइड कर लेता है जो नॉन टेक्निकल पर्सन है उनके लिए, क्योंकि एक तरह से लेयर है या फैसेड है या जो भी है, एक रैपर है, ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं जाने दे रहा होता है, दिखने नहीं दे रहा होता है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन और जो सर्वर को चाहिए होता है और जो एक नॉर्मल यूजर को जिससे कोई लेना देना नहीं है उसे हाइड किया जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है उसे रिक्वेस्ट हेडर बोलते हैं। किसी ने अगर मोजिला ब्राउजर यूज किया तो एजेंट मोजिला है, अगर किसी ने क्रोम यूज किया एजेंट टाइप, हर सर्वर को जो भी सर्वर है, जो कुछ भी सर्व कर रहा है कोई वेब पेज, उसे पता होता है कि जो वेब पेज वो सर्व कर रहा है, जो रिक्वेस्ट किया गया ब्राउजर से, वो आज मैंने एक सर्वर बना दिया और उस सर्वर पे मैंने कुछ होस्ट कर दिया, मेरा ही अपना अपना ई कॉमर्स, मैंने अपना एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना दिया, वेदप्रकाश.in और .com। अदिति अगर इस मेरे ई कॉमर्स वेबसाइट को सर्फ कर रही है, ब्राउज कर रही है, सर्च कर रही है, तो मुझे हमेशा पता होगा कि उसने अपने लैपटॉप में कौन सा इंटरनेट ब्राउजर एक्सप्लोरर कर रखा है। वो क्रोम से एक्सेस कर रही है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से कर रही है या मोजिला से कर रही है, उसका स्क्रीन साइज क्या है, कभी कभी कुछ हद तक हमें ये भी पता होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है। इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास जो आते हैं स्पेशली ब्राउजर के, तो वो यूजर एजेंट के नाम पे आते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमेशा रिक्वेस्ट के हेडर में होता है। इसके अलावा ब्राउजर अभी हमें कुछ कारणों से कुछ चीजें एक्सएमएल में देनी पड़ती है, कुछ इंफॉर्मेशन कुछ जेसॉन में कई बार देना होता है, हम ही यूजर रजिस्ट्रेशन के वैल्यू जब हम नॉर्मली जेसॉन में दे रहे होते हैं अपने माइक्रो सर्विसेज के लिए, कुछ समय पहले जाए आज से 3-4 साल पहले हम एक्सएमएल में दे रहे थे, अभी भी हमें कुछ सिस्टम्स के लिए एक्सएमएल में देने होंगे। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो एचटीएमएल ही हो और ब्राउजर में आगे फ्रंट में वैसा खूबसूरत सा यूआई ही हो, कई बार वो एक्सएमएल भी हो सकता है, जेसॉन भी हो सकता है। तो हम ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या चाहिए ब्राउजर को, या ब्राउजर क्या डिस्प्ले करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा। हमारे केस में अगर इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो एक्सएमएल भी एक्सेप्ट करेंगे, एचटीएमएल भी करेंगे, टेक्स्ट भी करेंगे। इसके अलावा जैसे इंग्लिश ही हर जगह यूज नहीं होगा, तो ढेर सारी जगहों पे इंग्लिश की जगह कुछ और हो सकता है, चाइना वगैरह में इंग्लिश यूज नहीं होगा, हम ही कई बार हिंदी वेबसाइट भी ओपन करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन भी हम देते हैं रिक्वेस्ट में। इसके अलावा जो पेजेस हैं, इमेज हैं, अभी वो धीरे धीरे करके मोबाइल्स काफी अच्छे आने लगे हैं, हमारी इमेज साइज अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं, तो हम उसे कंप्रेस कर रहे होते हैं। तो कंप्रेशन हमेशा एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा एल्गोरिदम यूज किया गया है, कैसे उसे कंप्रेस किया जा रहा है, तो हमेशा ये भी इंफॉर्मेशन होता है कि इसे कंप्रेस कैसे किया गया है। तो उसे एक्सेप्ट इनकोडिंग पे भी हम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैरेक्टर सेट या कैट सेट होता है, जैसे चाइनीज वगैरह ही अल्फाबेट्स हैं, तो नॉर्मल एज इंग्लिश अल्फाबेट की तरह हम डिस्प्ले कई बार नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसे अल्फाबेट होते हैं जिसके लिए UTF-8 इनकोडिंग होती है, ISO इनकोडिंग होती है, दो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक करेक्शन का टाइम आउट होता है, किस टाइम तक वो लाइव होगा, वो टाइम देते हैं, और कनेक्शन अगर लाइव होगा या नहीं होगा वो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये एक मिनिमम हेडर इंफॉर्मेशन है। तो जब भी हम फेसबुक ओपन कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट ओपन कर रहे हैं, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे ब्राउजर की तरफ से उस सर्वर को जाता है। तो जैसे नॉर्मली हम सबको ब्राउजर तो विजिबल होता है और हम विजुलाइज कर सकते हैं कि एक क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या मोजिला है, या फायरफॉक्स है, वैसे ही सर्वर क्या है? सर्वर कुछ भी नहीं है, सर्वर एक तरह का प्रोग्राम ही है जो कुछ भी सर्व करता है। इवन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें एचटीएमएल या वेब पेज ही सर्व करना है, मे बी सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक टेक्स्ट हम हाई ही सर्व करना चाहें,
मेरा ही मन है कि चलो एक डोमेन नेम आजकल इतने सस्ते हैं, 150-200 रुपए में मैंने वेदप्रकाश.in रजिस्टर कर दिया, कोई भी इसे ब्राउजर में डाले और मेरी तरफ से बस एक हाई ही वर्ड है। और बैक साइड में मैंने जैसे कल जावा में पढ़ाया था, एक हम सिस्टम और प्रिंटलन में हाई वर्ड ही प्रिंट करवा देते हैं, और ये कि जो भी इस ब्राउजर पे है उसे बस एक हाई ही देते हैं। तो ये सिंपल एक क्लास जो है वही सर्वर हो गया। नॉर्मली जब हम एंटरप्राइज में काम कर रहे होते हैं तो इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इमेज वगैरह कुछ डिस्प्ले करवाना है, काफी चीजें हैं। तो सर्वर जो है HTML, XML, JSON, ये सब जो हमें करना होता है वो सर्वर होता है। लेकिन टाइम जैसे बढ़ते गया और चीजें आज ही हम देखते हैं, आज से 10 साल पहले काफी सिंपल HTML फाइल्स होते थे, या आज भी पुराने गवर्नमेंट के अगर हम वेबसाइट्स देखते हैं तो काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, इतने सिंपल कि नॉर्मल HTML में लिखे जा सकते होते हैं, तो उसे सर्व करना काफी आसान था। पर धीरे धीरे हुआ क्या कि नहीं, चीजें बढ़ती गई, जावास्क्रिप्ट आई, CSS आया, तो सर्वर टेक्नोलॉजी भी बढ़ी, तो हमारे पास उस हिसाब से सर्वर्स भी आए। सबसे ज्यादा भी अपाचे के सर्वर्स फेमस हैं, अपाचे एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो प्रोडक्शन ग्रेड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवाती है। सेम इसी तरीके से जावा फील्ड में हमारे पास प्री मेड अपाचे की तरफ से टॉमकैट आया, जेटी आया, इसे हम सर्वलेट कंटेनर भी बोलते हैं। इसके अलावा जब अगर हमें कंप्लीट एक सर्वर चाहिए एप्लीकेशन लेवल पे, तो हमारे पास JBoss के एप्लीकेशन सर्वर हैं। JBoss एप्लीकेशन सर्वर के अलावा हमारे पास वेब लॉजिक है, वेब स्फेयर है, वेब लॉजिक हमारे पास ओरेकल की तरफ से है, वेब स्फेयर हमारे पास IBM की तरफ से है, रेड हैट की तरफ से JBoss सर्वर्स हैं। तो एक साइड हमारे पास सर्वर होते हैं, एक साइड हमारे पास ब्राउजर होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होते हैं। पर अब गेट में हम इंफॉर्मेशन ले रहे थे, अब प्रॉब्लम है कि हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन लेने की जगह पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फेसबुक ही है। जब तक हम रजिस्टर नहीं करते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ईमेल आईडी नहीं प्रोवाइड करते हैं, लॉग इन नहीं करने देता है, ये हमारे पास भी जब ऑप्शन होता है, जब हमें फेसबुक पे ही हम क्या करते हैं, कई बार हमें पोस्ट करना होता है कुछ, और जब हम पोस्ट करते हैं तो हम चाहते हैं हमारे फ्रेंड देखें, या नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से लॉग इन हूँ तो ये पोस्ट मुझे दिखे। हमें कहीं ना कहीं उसे प्रोड्यूस करना है, कहीं ना कहीं स्टोर करना है डेटाबेस में। इस टाइम में क्या है कि रिवर्स है, सर्वर से कुछ भी लेने की जगह हम सर्वर को दे रहे हैं, ये पोस्ट है। तो गेट में तो था कि हम बोल रहे थे कि सर्वर पे कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन पोस्ट में सर्वर पे चेंज आएगा। पोस्ट हमेशा सर्वर का जो स्टेटस मेंटेन था वो चेंज होगा। इसमें क्या है हमारे पास कि कैसे पोस्ट लेंगे, इंफॉर्मेशन लेना है। पुराने टाइम में या अभी भी हम इसके लिए HTML में एक फॉर्म बनाते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन लेना है वो हम फॉर्म में वैसे लेते हैं, सबमिट बटन देते हैं, सबमिट पे क्लिक होता है। पर जब हम रेस्ट में काम कर रहे हैं जेसॉन में और XML में, तो कई बार हम वो नहीं भी दे पाते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बने बनाए क्लाइंट्स हैं, जैसे सेम जैसे क्रोम मोजिला की हम लोग बात करते हैं, सेम वैसे ही क्या है कि हमारे पास जिसे हम रेस्ट क्लाइंट बोलते हैं वो अवेलेबल है। ऐसा क्यों है? मोबाइल आने के बाद, जब मोबाइल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, या लोगों के पास लो प्राइस में मोबाइल्स रियली आने स्टार्ट हुए, नेट इंटरनेट कनेक्शन सस्ते हुए, तो एक पूरी की पूरी मोबाइल फर्स्ट की स्टोरी स्टार्ट हुई, जिसमें हम बोलते हैं मोबाइल फर्स्ट में कि हमारा जो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट वो मोबाइल यूजर होने चाहिए। आज भी अगर हम गांव में जाएं, बिहार, यूपी वगैरह में, लैपटॉप नहीं मिलेगा, लैपटॉप नहीं है किसी के पास, कोई नहीं खरीद सकता, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास मोबाइल्स हैं। नॉर्मल मोबाइल नहीं तो चाइनीज मोबाइल मिल जाएंगे, पर मोबाइल है। तो जब हम अब डेवलपमेंट करते हैं तो हमारा जो टारगेट होता है वो फर्स्ट टारगेट मोबाइल डेवलपर होता है, और जो डेवलपमेंट हमारा होता है उसे मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट भी कोई
सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ या कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स है। जब हम बोलते हैं मोबाइल फर्स्ट हो तो मेनली हम बोलना चाहते हैं कि रिसोर्स हैवी ना हो। रिसोर्स हैवी नहीं होने का मतलब है कि बीच में कुछ टाइम पहले जब मोबाइल आना स्टार्ट हुआ था स्मार्टफोन, लेकिन वो उतनी पावरफुल नहीं थे, रैम कम थे, ब्राउजर हैंग कर जाता था। जैसे कुछ दिन पहले तक फ्लैश वगैरह थे या जो एचटीएमएल पेज होते थे फ्रंट एंड, वो अगर मोबाइल के ब्राउजर में ओपन किया गया तो हैंग होता था, सही से नहीं दिखता था, पॉपअप एड्स आते थे, इस तरह की चीजें थी। तो उसे बोला गया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, मोबाइल फर्स्ट होना चाहिए। उसमें भी फिर दो तरह की चीजें आई। मोबाइल फर्स्ट में भी एक तो वेब पेज को ब्राउजर में ओपन किया जा सकता है, दूसरा होता है कि नेटिव। नेटिव मीन्स जिसे हम एंड्रॉयड ऐप बोलते हैं। अभी ही अगर हम चाहें तो फ्लिपकार्ट के अपने एप्स हैं जो हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं, और हम अगर चाहें तो ब्राउजर भी मोबाइल में ओपन करके फ्लिपकार्ट ओपन कर सकते होते हैं। ये दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन जो नेटिव एप्लीकेशन होते हैं जो हम डाउनलोड करके यूज कर रहे होते हैं, वो कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं और मोबाइल से रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो उसे यूज कर पाते हैं। उन्हें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है अवेलेबल, आपके जीपीएस पे एक्सेस कर रहे होते हैं, आपके डिफरेंट कॉन्टेक्ट लिस्ट को एक्सेस कर रहे होते हैं, और कहीं ज्यादा लाइट वेट होते हैं। तो जब मोबाइल फर्स्ट बोल रहे होते हैं तो मोस्टली हम उस टाइम एंड्रॉयड ऐप की डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो बैकएंड में क्या होता है कि हमें एचटीएमएल प्रोवाइड करने की नहीं भी जरूरत होती है, या होती भी है तो उस तरीके से नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बिना एचटीएमएल वेब पेज के ही डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। चलो मेरे पास ये रेस्टफुल वेब सर्विसेज है, कोई भी अपना क्लाइंट से इसे टेस्ट कर लेगा और फाइनली मोबाइल में कोई भी जो है डेवलप कर लेगा ऐप। और साथ साथ कंप्लीटली हम डिसकनेक्टेड होते हैं फ्रंट एंड टीम से। पहले जैसे होता था कि फ्रंट एंड टीम और बैक एंड टीम साथ बैठती थी, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर बोलते थे कि चलो ये पैरामीटर्स मुझे चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, बैक एंड में फ्रंट एंड डेवलपर उसे डेवलप करते थे और साथ साथ इंटीग्रेट होता जाता था। पर जब से ये मोबाइल फर्स्ट डेवलपमेंट आया तो अब एक कॉन्ट्रैक्ट हम बोलते हैं कि एक एपीआई कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे पास। एपीआई कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? अब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि चलो हम पहले ही डिफाइन हमने कर दिया कि फ्रंट एंड से हमें ये चाहिए, बैक एंड में हम ये पैरामीटर डालेंगे, ये प्लेस होल्डर डालेंगे, फ्रंट एंड डेवलपर को उसी कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हुए डेवलप करना है, एंड्रॉयड डेवलपर को वही यूज करना है। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को हर कोई फॉलो करता है तो जो एंड रिजल्ट होगा वो ये होगा कि अपने आप सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जिसको हर कोई फॉलो कर रहा होता है, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर या एंड्रॉइड डेवलपर, इसे हम कहते हैं एपीआई कॉन्ट्रैक्ट। और एपीआई डिफिनेशन और एपीआई स्पेसिफिकेशन, तो अब इसे भी हर कंपनी ने अपने हिसाब से लिखना स्टार्ट कर दिया। कुछ भी कोई भी लिख रहा है, अब दूसरी कंपनी को समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए हमने किसी और कंपनी को हायर किया, या हमने बोला कि चलो हमने तो रेस्ट दे दिया, जिसे अपना जो बनाना हो बनाए। तो अब ये चीजें भी थी कि हम किस तरीके से लिख के देंगे कि ये पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर का टाइप स्ट्रिंग या इंट होगा, साइज क्या होगा। इसे भी बोला गया कि स्टैंडर्ड लाया जाए इसे लिखने में भी। तो एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन ही था, डॉक्यूमेंट ही था। पर अब कुछ लोगों ने बोला कि भैया इसे भी एक स्टैंडर्ड लाओ तो हर कोई फॉलो करे। तो एक कंपनी आगे आई जिसका नाम था मेनली स्वैगर के नाम से एक कंपनी है। ये स्वैगर क्या करती थी कि क्लाइंट के लिए पोस्ट, क्लाइंट के एपीआई के लिए ही वो पोस्टमैन की तरह सॉफ्टवेयर लिखती थी। इसने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसे स्टैंडर्ड बनाता हूँ। तो स्वैगर वालों ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड बनाया कि एपीआई या ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से लिखी जानी चाहिए। इन्होंने जब इसे पब्लिश किया तो ओपन सोर्स किया, और जब बोला गया कि सारे लोग फॉलो करेंगे तो गूगल, फेसबुक और बड़ी बड़ी कंपनी आईबीएम वालों ने बोला कि नहीं, इससे तो स्वैगर कंपनी का ही वो होगा। तब स्वैगर कंपनी वालों ने क्या किया कि इसका नाम चेंज कर दिया और इसे बोला कि इस तरह के जो भी एपीआई के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर या किसी और कंपनी के बीच यूज होगा, उसे आज से स्वागर एपीआई की जगह पे ओपन एपीआई बोला जाएगा।
अब सारे लोग खुश हो गए कि चलो ठीक है, अब तो कोई किसी कंपनी का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो सारे लोगों ने उसे मान लिया। उसी स्टैंडर्ड को या उस डॉक्यूमेंटेशन के तरीके को, उस डॉक्यूमेंटेशन का जो वे है, उसे बोला गया ओपन एपीआई। नॉर्मली जब भी बैकएंड डेवलपर कुछ भी बैकएंड डेवलप करता है और वो फ्रंट एंड या एंड्रॉयड ऐप नहीं प्रोवाइड करना चाहता है, वो क्या करता है, ये ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन लिखता है और पब्लिश कर देता है। अब जिसे भी फ्रंट एंड लिखना हो, एंड्रॉयड ऐप लिखना हो, वो इस ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन को फॉलो करेगा। इसे बोला गया ओपन एपीआई। अब रियली कंफ्यूजन कई बार ये हो जाता है कि चूंकि स्वैगर कंपनी वाले ने ही ओपन एपीआई बनाया, और अभी भी ओपन एपीआई 3 हम बोलते हैं, ओपन एपीआई 2 तक इसके नाम के साथ स्वैगर जुड़ा हुआ था, तो लोग कई बार रफली से स्वैगर भी बोल देते हैं, स्वैगर एपीआई भी बोल देते हैं। पर नॉर्मली इसके लिए ओपन एपीआई वर्ड अब यूज होता है, और स्वैगर की जब बात होती है तो वो एक क्लाइंट टूल की बात होती है जो कि पोस्टमैन की ही तरह है, जिससे कि हम इस रेस्ट को एक्सेस कर सकते होते हैं। ये दो डिफरेंस हो जाते हैं। अभी हमारे जो एसई मेंबर्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने सेम ऐसे ही ओपन एपीआई में कुछ प्रोवाइड किया है, या इस तरीके से यही एक वे है कि हम प्रोवाइड करते होते हैं। तो कई बार जैसे हमारे टास्क लिस्ट में सुबह अगर ये मॉर्निंग में आता है कि ओपन एपीआई क्या है, एपीआई, तो इसी की बात हो रही होती है। या फिर अभी शायद सोनाली ओपन एपीआई वगैरह भी अभी देख रही है रेस्टफुल एपीआई, तो यही चीजें हैं। वो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलप, फ्रंट एंड या एंड्रॉयड डेवलपर, वैसे लोग जो इंटरेक्ट करेंगे हमारे बैक एंड कोड से, वो कैसे करेंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन ही ओपन एपीआई है। तो आकृति, ओपन एपीआई समझ में आया? थोड़ा आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा चलो, आपने आप को कहाँ से, मैं शुरू स्टार्टिंग से बताऊँ कहाँ से समझ में नहीं आया? बीच में सम पार्ट ऑफ इट अंडरस्टूड देन सम पार्ट ऑफ इट आई टोटली वेंट ब्लैंक। देखो, जब हम दोनों साथ काम कर रहे हो और अलग अलग कर रहे हो और डिफरेंट पार्ट यूज कर रहे हो, जैसे आप भी कई बार अपूर्वा के साथ काम किए हो, तो आप दोनों काम बांटती हो कि ये काम तुम कर लो, ये काम मैं कर लेते हैं। लेकिन दोनों को पता होना चाहिए ना कि कौन कौन क्या कर रहे हैं, ये कैसे काम हो रहा है, आपस में कम्युनिकेशन चाहिए ना। और मान लो कि आप दोनों के बीच लड़ाई हो गई, तो आपने बोला कि चलो बातचीत तो नहीं होगी तो मैं ईमेल कर देती हूँ, तो आपने उसे मेल कर दिया कि ये पार्ट मैं कर रही हूँ, ये पार्ट तुम कर रही हो। अब उसे ही किसी ने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इस तरीके से अगर बातचीत ना हो तो ईमेल लिखा जाए, तो वो एपीआई है। जब बैकएंड में हम कोड लिख रहे हैं और फ्रंट एंड नहीं दे रहे हैं, कल ही आपने कुछ वेरिएबल्स देखे होंगे पेशेंट रजिस्ट्रेशन में, उसमें हमने बोला कि आपने या हमने या एमडीडीएस वालों ने बोला कि एड्रेस टाइप 2 होना चाहिए। एड्रेस टाइप जो होगा वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए या 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम साइज। या एमडीडीएस में आप बोलती हो कि मेल फीमेल इस तरीके से ही लिखा जाना चाहिए। सेम ऐसे ही बैकएंड में, जैसे अगर मैंने एक बैकएंड सिस्टम बनाया है जिसमें मुझे सिर्फ, मान लो भूल जाओ इस एमडीडीएस सब कुछ को, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है एमडीडीएस में जो हम बोलते हैं मैक्स साइज वगैरह, लेकिन अगर हम अभी बोले कि मैं एक बैकएंड बना रहा हूँ, मैं आपको बोलूँ कि मेरे बैकएंड में सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल, ये 3 ही वैल्यू आएंगे और मुझे बस ये 3 ही स्टोर करना है, इससे ज्यादा मैं स्टोर नहीं करूंगा, तो आपको फ्रंट एंड बनाना है और आपने 10 एलिमेंट डाल दिए जिसमें आपने डीओबी भी ले लिया, एड्रेस टाइप एड्रेस वगैरह भी ले लिया, लेकिन बैकएंड में मैं एकदम स्ट्रिक्ट हूँ कि नहीं, मुझे तो बस फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल ही चाहिए, सिस्टम काम करेगा? नहीं करेगा। फिर क्या है कि इसलिए एज अ बैकएंड डेवलपर जब मैं डेवलप कर रहा हूँ, मैं आपको इस क्लियरली एक मेल लिखूंगा या क्लियरली डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा कि मुझे 3 फील्ड चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, स्ट्रिक्टली मैं बताऊंगा, या साइज बताऊंगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मुझे स्ट्रिंग टाइप चाहिए ये बताऊंगा। ये जो क्लियर है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कौन सा फील्ड बैकएंड में चाहिए, यही है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट को हम कैसे लिख रहे हैं, ये है ओपन एपीआई। जैसे सेम ईमेल, आप अगर मुझे कंटेंट बोल दो कि ये लिखना है, अगर मैं लिखूं, राघव लिखे, अदिति लिखे, तीनों डिफरेंट वे में लिखे जाएंगे, है ना?
सेम इंस्ट्रक्शन कि मैं इतने फील्ड ले रहा हूँ, ये पैरामीटर है और ये टाइप है, ये हम तीनों जब लिखे हैं जो डेवलपर, तो सिर्फ एक चीज लिख के आए, एक ही चीज डॉक्यूमेंट में आए, वही उसके लिए हमें स्पेसिफिकेशन हमारे पास है OpenAPI. तो जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें गेट मेथड की हमने बात की थी, तो हमने क्या किया कि बोला OpenAPI में कि इसका नाम ऑपरेशन होगा. तो हम अब गेट के लिए जो बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लिखते हैं ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन के बगल में लिख देते हैं गेट जो भी मेथड है वो. फिर हमारे पास पैरामीटर्स हैं, तो हम लोग पैरामीटर देते हैं फिर टाइप देते हैं. तो इस तरीके से हमने एक स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इस तरीके से लिखा जाएगा, वो OpenAPI है. अब रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे हम चाहते हैं कि R2 वाले हों या हमारे नेटमेड वाले हों या अखिल सिस्टम हो, वो सारे लोग उसे फॉलो करें ताकि उनके जो सिस्टम बन के आए वो एक स्टैंडर्ड वे में आपस में कम्युनिकेट करें. तो इन सबको हमें एक क्लियर वे में समझाना है. तो वो जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने लिख के दिया है या दे रहे हैं वो OpenAPI सेन है. ठीक है सर. ठीक है समझे. लेकिन सेम टाइम में हमें भी इंटरनली वेरीफाई करना होगा कि हमने जो बनाया है कोड वो काम कर रहा है कि नहीं. और हमारे पास फ्रंट एंड नहीं है, हमारे पास मोबाइल एंड्रॉइड का फ्रंट एंड नहीं है, ऐप नहीं है. तो हम अपना कोड जो वेरीफाई करने के लिए गेट और पोस्ट इस तरह से क्रिएट करने के लिए, गेट तो हम ब्राउजर से भी कर लेंगे, ब्राउजर भी गेट के लिए काम करेगा, पोस्ट ब्राउजर से काम नहीं कर पाएगा. उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं या क्रोम में एक्सटेंशन यूज करते हैं. सबसे फेमस इंडिया से आया हुआ है पोस्टमैन, सेम वैसे ही है एक स्वैगर, वो हम यूज करते हैं नॉर्मली स्वैगर की ही फैमिली से. और स्वैगर ही जो है OpenAPI भी लाई है और एक क्लाइंट के लिए ये एप्लीकेशन भी लाई है. इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, जब लोग कई बार स्वैगर बोले या स्वैगर चाहिए OpenAPI बोले तो एक बार पूछना है कि कौन किसकी बात कर रहे हैं आप, OpenAPI या स्वैगर क्लाइंट की बात कर रहे हैं. पर दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम में सेम जगह यूज हो रहा होगा. अभी आप रजिस्ट्रेशन का जो भी अभी रनिंग आपने देखा होगा या कल भी जैसे आप देखी होगी, तो वो जो पार्ट आप देखती है वो स्वैगर है, UI पार्ट. और जैसे अगर ये गेट पोस्ट आप अच्छे से समझती हो तो आपको स्वैगर में भी बिना UI के, मीन्स जैसे हमारे पास फ्रंट एंड नहीं है सिर्फ बैक एंड ही डेवलप हुआ है, तो भी आप उसे देख के समझ जाओगे कि अच्छा ये कैसे काम कर रहा है, कैसे हम पेशेंट को क्रिएट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे. ये जो API की कहानी है ना वो सारा इसी गेट पोस्ट डिलीट वगैरह से ही होती है. तो अब हमें पोस्ट करना है. अब इसमें हमें क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन सर्वर पे देना है. तो इस पोस्ट के लिए क्या करेंगे हम, नॉर्मल ब्राउजर पे जब तक हमारे पास HTML फाइल नहीं है हम नहीं कर सकते. अगर HTML 5 है, सर्वर से कनेक्टेड है, सर्वर रन कर रहा है, तो ये कनेक्ट होगा. नहीं है तो जैसे भी मैंने बात की स्वैगर की, वो स्वैगर क्लाइंट की जरूरत होगी. तो पोस्ट में वही इंफॉर्मेशन हम देंगे, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम या जो भी हमें देना है वो इंफॉर्मेशन हम देंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, बैकएंड में जाएगा, स्टोर होगा, हमें वापस इंफॉर्मेशन देगा. इसका अगर हम अभी देखते हैं ब्राउजर में किस तरीके से है, तो रिक्वेस्ट लाइन में सबसे पहले हमारे पास पोस्ट है, उसके बाद हमारे पास डोमेन नेम है, लेकिन डोमेन नेम के साथ वो वैल्यू नहीं है, डोमेन नेम से अटैच कोई वैल्यू पैरामीटर हमारे पास नहीं है. क्यों नहीं है, होता क्या है कि हम जो इन्फॉर्मेशन नॉर्मली दे रहे होते हैं वो हम सेंसिटिव मानते हैं. हो सकता है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हो जो ब्राउजर में हम दे रहे हैं, या कुछ ऐसा डिपार्टमेंट से रिलेटेड, या कुछ भी जो हमें लगता है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो वो हम ब्राउजर में वैसे भी देना सही नहीं होगा, ब्राउजर में ऐड करना एज अ पैरामीटर. तो हमेशा वो बॉडी में जाता है. जैसे हमने उस हेडर के बारे में बात की थी, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर है. रिक्वेस्ट हेडर में जो है, रिक्वेस्ट हेडर है जिसमें सारे वही सेम इन्फॉर्मेशन है. वैसे ही यूजर एजेंट जैसे मोजिला वगैरह हमने दिखाया है, होस्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एक्सेप्ट इनकोडिंग है, लैंग्वेज है, कैर सेट है. तो ये हेडर था, रिक्वेस्ट हेडर. ये इन्फॉर्मेशन जब ब्राउजर पे जो भी हम क्लिक करते हैं सबमिट, तो जाता है ब्राउजर, भेजती है सर्वर के पास इन्फॉर्मेशन कि ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट का है, क्लाइंट ऐसा है, इस क्लाइंट ने ये किया है.
पर साथ में एक मैसेज बॉडी जाएगा जिसे हम पेलोड बोलते हैं, जैसे अभी यहाँ पे कलर डार्क और टेस्ट जो मल्टी, यही इन्फॉर्मेशन एक बॉडी में जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मली हम जैसे चाहे वैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, पर कॉमन प्रैक्टिस है अभी अभी मीन्स नॉर्मली मोबाइल वगैरह आने के बाद से कि हम जेसॉन में भेजते हैं। जेसॉन क्या है अगर अभी ना समझ में आ रहा हो तो, एक तरह का टाइप ही या टेक्स्ट का ही एक फॉर्मेट है जैसे एक्सएमएल है वैसे ही है, लेकिन एक्सएमएल से कहीं ज्यादा लाइट वेट है। पर अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि एक बॉडी है जिसे मैसेज बॉडी बोलते हैं या पेलोड बोलते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन जाएगा पोस्ट में और कभी भी ये एड्रेस बार में विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एड्रेस बार का रिकॉर्ड होता है, जैसे ब्राउजर में ही हम चाहें हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री में वो इंफॉर्मेशन होते हैं। मान लो राघव ने अपने क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डाले इस तरीके से, और अगर बॉडी की जगह पे पैरामीटर में चला गया या पैरामीटर से हम इसे भेजते हैं और उसके बाद वो लंच ब्रेक पे या टी ब्रेक पे गया, तो कोई भी उसका हिस्ट्री ब्राउजर का देख करके पैरामीटर से इंफॉर्मेशन चोरी कर सकता होगा। इस वजह से हमेशा ये जब हम पेलोड या बॉडी में देते हैं, ये पेलोड या बॉडी पार्ट जो है वो लॉग नहीं होता है सिस्टम में, ब्राउजर वगैरह में ये चीजें नहीं आ रही होती है। तो इस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आता जाता है। पोस्ट की किस्म इस तरीके से पोस्ट होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है जब हमें कोई रिसोर्स क्रिएट करना होता है। एक सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे कि हम पेशेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, जब पेशेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद आईडी वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ईमेल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट का और सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो बैकएंड वो स्टोर हो जा रहा है और हमें ओके का रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम जब गेट कर रहे होंगे सेम पेशेंट आईडी या गेट, फिर अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो सेम वही पेशेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा। हमेशा हर रिसोर्स जो भी हम स्टोर कर रहे होते हैं उसके साथ एक रिसोर्स आईडी होता है, हमारे केस में जैसे एक पेशेंट आईडी हो गया है। इस तरीके से हम गेट और पोस्ट करते हैं। तो गेट और पोस्ट के अलावा एक और चीज है ब्राउजर में कि वैसे हम ये बात कर रहे थे कि बॉडी में हम जेसॉन भेजेंगे, कई बार हम एक्सएमएल भेज सकते होते हैं, तो कंटेंट टाइप एक ऐसी जगह होती है या ऐसा ऑप्शन होता है जिससे हम हमेशा बता रहे होते हैं कि हमारा कंटेंट क्या होगा। ये चेंज होते हुए भी दिखेगा कई बार, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट एचटीएमएल जरूर दिख रहा है, ये टेक्स्ट एक्सएमएल भी हो सकता है, जेसॉन भी हो सकता है। तो ये कंटेंट टाइप जो है बताता है कि जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो किस तरह का क्या होगा। बेसिक अभी जो नॉर्मल हम यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में वो HTML है, JSON है और XML है। अब ये सारे इंफॉर्मेशन को हम एक जगह एक साथ देखते हैं। एक ब्राउजर पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल डिफरेंट है पर हम डिफरेंट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। facebook.com हम डालते हैं, facebook.com जैसे ही हम ब्राउजर में डालते हैं ये एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, जैसे ही रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रहा है तो एक वेब पेज आ रहा है रिस्पांस में। वेब पेज में दो फील्ड होंगे यूजर नेम पासवर्ड डालने के लिए लॉगिन के लिए, ये गेट था। अब हम क्या कर रहे हैं कि यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं वेद प्रकाश @gmail.com और पासवर्ड डाल रहे हैं vdsap और समथिंग। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं ये पोस्ट है। पोस्ट इसलिए है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड हमारे एड्रेस बार में दिखे। अब है जब पोस्ट की बैकएंड में गया, लेकिन ये पोस्ट में ही ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन हमारा मौजूद है वहाँ। तो लॉगिन में क्या होगा कि हम डाटाबेस से सेम यूजर नेम पासवर्ड लेंगे, मैच करवाएंगे कि सही यूजर नेम पासवर्ड है कि नहीं। अगर ये सही है तो एक हमने होम पेज वापस रिटर्न किया, वो हम होम पेज जैसे ही हमारे पास आता है और सबसे पहले हमें दिख जाता है कि चलो कुछ लिखना है, टाइप करना है, साइड टाइमलाइन से हम बोलते हैं, तो टाइमलाइन में हमारे पास ऑप्शन आता है कुछ भी लिखने के लिए। अब हमने वहां पे कुछ लिखा या कोई पिक्चर हमने पोस्ट किया, अभी तक ये
सबसे पहला था गेट, फिर पोस्ट, फिर ये जो है इसमें हम सबमिट कर रहे हैं, ये पोस्ट है। रियली इस टाइम में कुछ हमें बैकएंड में चेंज करना है। ये पोस्ट इन्फॉर्मेशन भी है जब बॉडी और पेलोड जाएगी, सर्वर के पास इन्फॉर्मेशन गया, सर्वर में बैकएंड में हमारे जावा कोड ने देखा अच्छा ये वैल्यू है, ये इमेज पोस्ट करना है। अब जावा क्या करेगी कि डाटाबेस को कॉल करेगी कि डाटाबेस चलो अब इसे पोस्ट करो। अब डाटाबेस में इन्फॉर्मेशन हम पास करेंगे, डाटाबेस में हम ऑलरेडी टेबल बना रखे हैं यूजर के नाम से, यूजर के लिए, इमेज के लिए, वहां पे वो इमेज या वो पोस्ट स्टोर हो जाएगा। जो स्टोर हुआ उसके लिए एक आईडी भी जनरेट होगा, सिस्टम जनरेट करेगी आईडी, और साथ में हमारे पास HTTP स्टेटस कोड है OK200 वो वापस देगा, और हम फ्रंट एंड में टाइमलाइन में वो पोस्ट भी दिखा देंगे अगर सक्सेसफुल हुआ तो, और वो हमेशा के लिए अब हो गया। अब आप लॉग आउट करो, फिर दोबारा लॉग इन करो या किसी और पेज पे जाओ, कहीं से आओ, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है वेब पेज का, और इस तरीके से जो है सो एक वेब पेज नॉर्मली रन करती है, बिहेव करती है। इसी में कई बार याद होगा कि facebook.com के बाद कुछ और भी हम अगर उल्टा सीधा टाइप कर दें या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा करें तो हमें कई बार 404 इंफॉर्मेशन आता है, पेज नॉट फाउंड। इसका मतलब होता है कि जो पेज हमने एक रिक्वेस्ट भेजा है सर्वर को कि हमें ये पेज चाहिए, वो पेज अवेलेबल नहीं है, ये 404 है। कई बार सर्वर डाउन है या सर्वर काम नहीं कर रहा, नॉर्मली ये फेसबुक के साथ नहीं पर जो छोटे मोटे वेबसाइट सर्वर वगैरह हैं उसके साथ कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि सर्वर डाउन है, तो हमें 500 एरर आता है। कई बार हम लॉगिन के बिना कोशिश कर रहे हैं तो 403 आता है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन है, कोड है, बिहेवियर है। ये कोड हमें जो कॉमन है वो याद हो जाते हैं, ये याद रखने होते हैं। तो सर्वर साइड का प्रॉब्लम है तो 500 से स्टार्ट हो रहा है, 400 से रिलेटेड है जिसमें कि पेज वगैरह से रिलेटेड है कि सर्वर काम कर रहा है पर हमारे वेब पेज वगैरह में प्रॉब्लम है, 200 है जिसमें हम ओके वगैरह देख रहे हैं, 201 क्रिएटेड है। इस तरीके से सर्वर्स के कोड भी हैं, बिहेवियर भी हैं, इस तरह से ये एक साइकिल है, ये फ्लो है, और इस तरीके से एक ओवरऑल एक व्यू है। नहीं, क्लाइंट को हम रेस्ट नहीं बोल रहे होते हैं। सर रेस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। देखो थोड़ा और पीछे हम लोग जाए, देखो वेब जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ सबसे पहले तो HTML पेजेस बनते थे और रियली इजी होता था, HTML पेज होते थे, बैकएंड कोड होते थे। उस टाइम में मेनली हम दो मेथड यूज करते थे, गेट और पोस्ट। फिर क्या हुआ कि जैसे चेंज होते गए, मान लो एक एग्जांपल के लिए कि हमारे यहाँ ही इंडिगो वगैरह है, जेट एयरवेज वगैरह है, तो इन्हें अपने टिकट्स मान लो बेचने थे और एक पूरा एक कमर्शियल बिजनेस स्टार्ट हुआ एग्रीगेटर्स वगैरह का। तो क्या हुआ उसके बाद कि अभी देखती हो मेक माई ट्रिप हो गया या फिर इवन IRCTC के फ्लाइट्स के बुकिंग है या तो फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह भी है, तो ये लोग भी फ्लाइट बुक करते हैं, तो इन्हें पता तो होना चाहिए कि कितने सीट हैं या क्या उस टाइम में प्राइस चल रहा है, या हमें कई बार अपने ऑप्शंस के सीट चाहिए। एक टाइम ऐसा आया कि हर सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना था। कम्युनिकेशन के लिए एक टाइम में या फिर एक टाइम में कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा है जो भी करना है XML से स्टार्ट होता था। आप एक टाइम में डेवलपर माने ही नहीं जाते थे जब तक XML आपको ना आता हो, सारी कहानी XML से शुरू होती थी, खत्म होती थी। क्यों? क्योंकि XML में मान लो मैंने दिया सामने इंडिगो में भी
उसका कोड डॉटनेट में हो, पीएचपी में हो, या मेरे पास जावा में हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक पार्सर, पार्सर मीन्स वो पार्स करना, वो जो वैल्यू हम लेते हैं प्रोवाइड किया था। और एक्सएमएल जो है वो एक ऐसा आ गया था जैसे कि इसे हम बोलते हैं गॉड, कि भाई वो किसी को भी कुछ भी चाहिए एक्सएमएल, हर जगह पार्सर अवेलेबल था और एक्सएमएल एक नेचुरल चॉइस बन गया था। उसके बाद एक्सएमएल के आसपास ही सारे डेवलपमेंट स्टार्ट हुए, तो एक वेब सर्विसेज बोला गया, तो उस टाइम में एक फिर से टेक्नोलॉजी बोलो या जो भी बोलो आनी स्टार्ट हुई कि WHDL, और हमारे पास एक SOAP करके सोप होता है WHDL, उसका एक फॉर्मेट आया कि इसमें XML में इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे आपस में हर कोई, उसे बोला गया वेब सर्विसेज। तो आज भी जैसे हम लोग पहले तो सिर्फ वेब सर्विसेज बोलते थे, पर अब हम बोलते हैं XML वेब सर्विसेज या विजिटर या WHDL वेब सर्विसेज और सोप वेब सर्विसेज। लेकिन XML पार्सिंग हमेशा रिसोर्स हैवी होता है और एक छोटे से काम के लिए भी ढेर सारी चीजें करनी पड़ती थी। उसके बाद किसी ने, मुझे याद नहीं है उसका नाम, उसने एक PhD थीसिस लिखी, उसमें बोला गया कि सेम ऑलमोस्ट ऐसा काम हम नॉर्मल HTTP मेथड से ही कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट जितने भी वेब सर्वर उस टाइम में अवेलेबल थे वो लोग पुट, पैच, ट्रेस, डिलीट इस तरह के मेथड्स की भी सपोर्ट प्रोवाइड करते थे जो यूज नहीं होता था। तो लोगों ने बोला कि कोई एक लाइटवेट सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास रेस्टफुल वेब सर्विस आ जाए। रेस्ट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है रेस्टफुल वेब सर्विसेज का। जब भी हम रेस्ट बोल रहे हैं ना, तो हम लोग बोलना चाह रहे होते हैं रेस्टफुल वेब सर्विसेज। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे पेशेंट है तो उसे हम एक रिसोर्स मान लेते हैं, तो हमारे लिए हर कोई स्टूडेंट है, पेशेंट है, विजिट है, सबको एक नाउन की तरह हम डिफाइन करते हैं और वो एक रिसोर्स है। रिसोर्स में हमें चेंज लाना है, उसके स्टेट चेंज करने हैं। तो अब क्या है कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच, ट्रेस, ये सब हम डिलीट यूज करके उसमें जो भी चेंजेस ला रहे हैं ना, वो क्या हो गया कि आ गया हमारे पास रेस्टफुल वेब सर्विसेज, हमने बोलना स्टार्ट किया उसे। तो रेस्ट एक डिजाइन पैटर्न है। तो कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है रेस्टफुल वेब सर्विसेज और नॉर्मल वेब में? RESTful में भी we are getting all the parameters and domain name, जैसा आपने बताया जो normal web service होगा उसमें domain name होगा and in RESTful we'll have all the parameters। देखो पहला तो पुराने जमाने टाइप में देख करके समझ में आ जाएगा सिर्फ गेट पोस्ट यूज किया गया है वैसे, लेकिन normally RESTful web services हमेशा resource की state change करते हैं। कई बार देखोगी कि कुछ लोग इस तरीके से कहीं भी कुछ जगह कोड दिख जाएगा कि जैसे मैं अभी पेशेंट क्रिएट करना है, तो हम सिर्फ एक रिसोर्स नेम पेशेंट दे रहे हैं और उसके बाद अगर हमारे पास पेशेंट का आईडी अवेलेबल है तो वो आईडी देंगे गेट के केस में, और अगर हमें सारे पेशेंट चाहिए तो सिर्फ पेशेंट नाम हम दे रहे होते हैं, एज ए नाउन यूज कर रहे होते हैं। लेकिन कई जगह पे वर्ब या एक्शन, मीन्स कभी भी यूआरएल में देखोगे कि एक्शन यूज हो रहा है और स्टेट की जगह किसी भी तरह का मेथड एग्जीक्यूट कर रहा है, तो फिर वो रेस्टफुल की जगह RPC हो गया, रिमोट प्रोसीजरल कॉल। ठीक है, तो एक वेल फॉर्म्ड यूआरएल से ही पता चल जाएगा कि नॉर्मली रेस्टफुल वेब सर्विसेज है या कि एक RPC कॉल है। हमेशा याद रखना कि रिसोर्स की स्टेट को चेंज करना होता है रेस्टफुल से, एक डिजाइन पैटर्न है, और ऑलरेडी चूंकि हम सेम वैसा ही गेट और पोस्ट यूज कर रहे थे, इस वजह से कंफ्यूजन स्टार्टिंग में होती है कि हमें डिफरेंस नहीं दिख रहा होता है। लेकिन अभी जो भी देखोगे डेवलपमेंट, अभी हमने एक क्रिएट कर दिया कोई भी इंफॉर्मेशन, या अभी आपने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, उसे एडिट करना है। जब आप एडिट कर रही होती हो किसी को भी, उस टाइम में पार्टिकुलर रिसोर्स का एडिट कर रही होती है, उस टाइम उस पार्टिकुलर रिसोर्स का आईडी हमें पता होता है, लोकेशन हमें पता होता है। एक सर्वर में जब आप पोस्ट कर रही हो तो उसके रिसोर्स का पता होना जरूरी नहीं है, वो एक रिसोर्स क्रिएट होगा और रिसोर्स से एक एसोसिएटेड आईडी, या तो आपने दिया है तो सही है पेशेंट आईडी, आपने दिया है नहीं दिया तो एक UHID या एक रैंडम नंबर वो क्रिएट करेगा,
और आपको देगा हमेशा क्रिएट से पहले पोस्ट से पहले आईडी होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आईडी होता भी नहीं है सर्वर में, वो आईडी या तो आप दोगी या वो एक रैंडम एक आईडी जनरेट करेगा और एसोसिएट करेगा। लेकिन जब से हमें एडिट करना होता है इन्फॉर्मेशन को, उस टाइम में हमें उस कंटेंट का एक आईडी चाहिए ही चाहिए होता है, आईडी हमें हमारे पास अवेलेबल होता है। उस टाइम में हम क्या करते हैं, अब जब हमें ये से इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है तो ये एक पुट मेथड है ना कि गेट और पोस्ट। और जैसे हम पुट मेथड पे आ रहे हैं गेट पोस्ट के बाद हम रेस्टफुल में आ चुके हैं। ओके, लेकिन पुट के लिए आईडी चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और ये सारे सारे मेथड कहाँ से आ रहे हैं जब बात कर रहे हैं गेट पोस्ट डिलीट की, ये मेथड्स कहाँ हैं? ये HTTP में डिफाइन किए गए हैं। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जैसे हम लोग जो टाइप कर रहे हैं ना ब्राउजर में एड्रेस बार में, उसे एक बार हम देखते हैं क्या है। HTTP जो हम लोग लिखते हैं ये प्रोटोकॉल है HTTP। पर अब नॉर्मली ये कॉमन नहीं रह गया, अब हमें ये HTTP नहीं दिखता है, मैं अब HTTPS दिखता है हर जगह। क्यों, कारण बता सकती हो सोनाली? डिफरेंस क्या है HTTP और HTTPS में? HTTP प्रोटोकॉल एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, बस ठीक है भैया HTTP हम मानेंगे कि पोस्ट सपोर्ट करेंगे। लेकिन HTTPS में क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन ये ब्राउजर देगी वो एक अंडर टनल होगा, एक सिक्योर लेयर में होगा। ओके, काफी पहले से था, चल रहा था, कोई यूज नहीं कर रहा था क्योंकि फिर वो सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसे देने पड़ते थे, पैसे भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा था, 700-800 हजार रुपए साल के, लेकिन फिर भी तो भी लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे ही गूगल ने बोला कि जो HTTPS यूज करेगा उसकी रैंकिंग हाई होगी, HTTP जो यूज करेगा उसकी रैंकिंग लो होगी, और रातों रात ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट HTTPS पे आ गए। सबसे आगे हमें प्रोटोकॉल पता चलता है कि ये प्रोटोकॉल है, उसके बाद .com तक का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारा जो है सर्वर का एड्रेस होता है। जैसे पहले भी शायद मैंने अदिति से या किसी से बात करते वक्त बोला था कि ये सर्वर नेम हमारे लिए है, हम इसे याद कर सके अच्छे से, पर एक कंप्यूटर या सर्वर हमेशा आईपी एड्रेस से काम करती है। अभी हम जो लोकल होस्ट 127 बोलते हैं आईपी एड्रेस, हर कुछ आईपी एड्रेस है, इवन हमारे घर के अंदर जो इतने सिस्टम जुड़े हैं मोबाइल वगैरह सब में एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो ये एक आईपी एड्रेस है, कंप्यूटर कभी ये नहीं समझ पाएगी कि facebook.com क्या है, orkut.com क्या है या टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, उसके लिए हमेशा आईपी एड्रेस चाहिए उसे। तो इस आईपी एड्रेस को सिस्टम समझ सकता है, हमें याद रखना मुश्किल होता है। अगर हम सिर्फ आईपी एड्रेस पे चले जाएं तो पता चला कि हमने तो 2-3 वेबसाइट के अलावा कोई ओपन ही नहीं किया। आज XSH सबको याद है कि हमारा जो कंपनी है, हमारी कंपनी का वेबसाइट एड्रेस access.h.org है, लेकिन हमें आईपी एड्रेस याद नहीं है, मुश्किल है। गूगल वगैरह का भी हमें डोमेन नेम याद है, वो याद नहीं है। तो एक सर्वर होता है अलग से जिसे हम डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं। तो डोमेन नेम सर्वर का काम ही होता है कि इस स्ट्रिंग को, इस वैल्यू को जो हम रीड करते हैं उसे आईपी एड्रेस में चेंज करना। तो मेनली जो हम ये डोमेन नेम बोलते हैं ये हमारा सर्वर का जो है एड्रेस होता है। उसके बाद पोर्ट नंबर है सोनाली, ये 80, पर हमें दिखता क्यों नहीं है? कई बार कृष्ण सर ने भी बात की, मैंने भी बात की, पोर्ट, हर एप्लीकेशन डिफरेंट पोर्ट पे काम करते हैं। हमारे यहाँ ब्राउजर बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे काम करते हैं, ऑलमोस्ट सारे पोर्ट 80 पे काम कर रहे होते हैं, पर हमें दिखता नहीं है जब टाइप करते हैं। कि कंप्यूटर को भी पता है, ब्राउजर को भी पता है कि डिफॉल्ट पोर्ट है और एंड यूजर को कोई लेना देना है नहीं, उसे समझ में आना है नहीं, तो इस वजह से वो क्या करता है कि पोर्ट 80 को हाइड कर देता है। लेकिन वो पोर्ट 80 हमेशा होता है, वहां पे होता ही होता है, हमें नहीं दिखता है, वो अलग चीज है पर होता है। सेम अभी अप्रूवा वगैरह जैसे काम कर रही होती है टॉमकैट पे, या खुद सोनाली भी करेगी, या अभी वो एपीआई वगैरह देख रही थी, तो 8080 जो हमारा जो होता है लोकल होस्ट में, फिर वो पोर्ट नंबर होता है, टॉमकैट डिफॉल्ट रन कर रहा होता है, पोर्ट नंबर हमेशा होता है हमारे पास, और ये पोर्ट नंबर इम्पोर्टेंट है। तो नॉर्मली हमारे पास जो क्रोम वगैरह है, मोजिला वगैरह है, वो पोर्ट 80 हाइड कर देता है, पर ये डिफॉल्ट 80 होता ही है।
उसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो पाथ है, नॉर्मली किस डायरेक्टरी में, मींस किस एक हम एक फोल्डर बना रहे होते हैं सर्वर में, जिसके अंदर हम डाल रहे होते हैं पेज को। तो जो हमारा पेज है, जैसे फ्रेंड्स लिस्ट ही है फेसबुक का, फ्रेंड लिस्ट डॉट एचटीएमएल, वो किस फोल्डर में रखा गया है, वो पाथ सर्वर का वो ये यहाँ तक है। उसके बाद जो सबसे लास्ट में है वो पेज है, जो पेज हम चाहिए होता है। तो जब हम ये टाइप कर रहे होते हैं तो सर्वर ऐसे समझता है कि चलो ये सर्वर का नाम है, पोर्ट है, पाथ है, उसके बाद वो पेज है जो पेज में चाहिए होता है गेट में। ये समझ में आ गया सोनाली? यस सर, समझ आ गया। थैंक यू सर। अभी तक समझने में कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर, साइकिल वगैरह सब समझ, ये रेस्ट का ही मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, बाकी ठीक है। नहीं, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जिस तरह के काम को कर रहे हैं, या फिर एमवीपी की बात करते हैं, वेब सर्विसेज वगैरह की बात करते हैं, ये काफी जरूरी है समझना। यस सर। तो अब सर्वर की बात करते हैं, तो हमारे पास कंटेंट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक डायनामिक होता है और एक स्टेटिक कंटेंट होता है। तो डिफरेंस क्या है डायनामिक कंटेंट और स्टेटिक कंटेंट? फ्रंट एंड से अगर आज डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उसको अगर डिस्प्ले करवाना है एज एज, तो वो स्टेटिक है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ पे अगर हमें एज कैलकुलेट करना है, तो ये एज कैलकुलेशन जो होगा वो डायनामिक है। स्टेटिक और डायनामिक में डिफरेंस यही है कि स्टेटिक में हमें किसी भी तरह का कोई कोई चेंजेस नहीं लाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, या सही टेक्निकल टर्म में बोले तो किसी भी तरह का प्रोसेसिंग नहीं करना है, वो स्टेटिक है। ढेर सारे गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह नॉर्मली स्टेटिक होते हैं, जहाँ पे नॉर्मल एचटीएमएल पेज एक बार बनाया गया, इमेज डाले गए, पोस्ट कर दो, कहानी खत्म, वो सब स्टेटिक है। अभी ढेर सारी वेबसाइट जो सिर्फ छोटी मोटी कंपनियों के लिए या ब्रांड नेम के लिए बनाई जाएगी, वो स्टेटिक होगा। लेकिन जहां भी किसी भी तरह का प्रोसेसिंग की जरूरत हो, कैलकुलेशन की जरूरत हो, वहां पे वो हमारा डायनामिक होगा। जैसे हमारे ही केस में अगर हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और एज कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेशन चाहिए चाहिए होगा। या कई बार हम अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले रहे हैं, लेकिन जब हम डिस्प्ले करवाना है, हम एक सिंगल नेम डिस्प्ले करवाना है, वो कैसे होगा? फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम दोनों को अगर हमें जोड़ना है, ऐड करना है स्ट्रिंग को, जब इसे हमें डिस्प्ले करवाना है, प्रोसेसिंग चाहिए। वो प्रोसेसिंग जैसे ही आई वैसे वो डायनामिक होगा, और जैसे ही डायनामिक हुआ मींस प्रोग्रामिंग, सिंपल सी चीज है। डेट ऑफ बर्थ लेंगे और डेट ऑफ बर्थ अगर मेरा 85 है ऑफिशियली, और अगर मुझे उसे अपना एज दिखाना है, तो अभी आज जो डेट है, ईयर है, उससे उसे माइनस करना होगा, इस तरह के कैलकुलेशन वो हमें चाहिए, वो कैलकुलेशन डायनामिक होगा। तो ये जो डायनामिक कैलकुलेशन का जो कहानी है, जो कैलकुलेशन होगा, ये कैसे होगा, कौन करेगा, एचटीएमएल से तो नहीं होगा। अभी तक जब तक हम स्टेटिक की बात कर रहे थे, स्टेटिक तब तक एचटीएमएल बोल रहा था कि चलो एचटीएमएल से हो जाएगा, एचटीएमएल कर देगा। यहाँ जो ये डायनामिक कहानी है, वहां पे अब प्रोग्राम्स आएंगे, प्रोग्रामिंग की जरूरत होगी। प्रोग्राम तो जैसे हम जावा की बात करते हैं, तो हम जेएसपी की बात करेंगे। सेम टाइम में कहीं ना कहीं एक और सेम ऐसे ही प्रोग्रामिंग फैमिली है, लैंग्वेज है पीएचपी। ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 70 से 80% इंटरनेट पीएचपी और माइसिक्वल पे रन कर रहा है। तो सेम हमारे पास जो पीएचपी भी है, सेम पर्पस के लिए यूज होता है। जावा में सेम उसी के लिए जेएसपी है। माइक्रोसॉफ्ट फैमिली में विजुअल बेसिक डॉट नेट वगैरह है। पाइथन में भी इसी तरीके से वेब डेवलपमेंट है, पाइथन करता है, या फिर उसके ढेर सारे फ्रेमवर्क्स भी हैं। इस तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड किया गया, कोई ना कोई जिसे डायनामिक वेव लिखे जा सके। तो हमारे पास जावा में क्या है, जेएसपी और सर्वलेट। इस तरीके से हमारे पास जेएसपी सर्वलेट आ गया। तो जेएसपी या सर्वलेट में जब हम कोड लिखेंगे, वो जहाँ रन करेगा वो सर्वर हुआ, तो सर्वर भी हमारे पास टॉमकैट वगैरह अवेलेबल है, जो कम्युनिटी से हमें मिला हुआ है। कम्युनिटी एडिशन का मतलब है कि हमें पैसे नहीं देने हैं, कोई लाइसेंस नहीं लेना है, हम डाउनलोड करेंगे और रन करेंगे। तो हमने अभी तक सर्वर वगैरह की बात की, अब उसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर अगर हमें करना होता है तो कैसे करते हैं।
सर्वर के लिए हम लोग नॉर्मली टॉमकैट और जेटी यूज करते हैं, दोनों सर्वर हैं। टॉमकैट ज्यादा फेमस है और अपाचे से आया है। अपाचे एक ओपन सोर्स बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हमें फ्री में अवेलेबल करवाती है। तो जब हमें टॉमकैट चाहिए होगा तो हम अपाचे टॉमकैट सर्च करेंगे गूगल में, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, टॉमकैट हमें मिलेगा वहाँ पे, जिसमें हमें MSI या .exe जो भी फाइल होंगे वो डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, तो पर सर्वर आ जाएगा। अब हमें कोड लिखना है, जैसे हम लोगों ने जावा के कोड लिखे थे वैसे ही कोड हमें लिखने हैं JSP और सर्वलेट में। तो जो JSP सर्वलेट का कोड है जो रन होगा, कंपाइल होगा, जिसे हम पहले JVM बोलते थे, तो यही कंटेनर है यहाँ पे। अब कंटेनर वो पार्ट है जो JSP सर्वलेट के कोड को रन करेगा और ये हमारे सर्वर के अंदर है या सर्वर के साथ ही है, जैसे टॉमकैट में दोनों इनबिल्ट हैं, सर्वर और कंटेनर। कंटेनर जहां हमारे JSP सर्वलेट के कोड रन करेंगे, जैसे ये एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में जिस तरीके से एक ही जगह दिखाया गया है, तो कंटेनर और सर्वलेट एक साथ हमारे टॉमकैट में इस तरीके से अवेलेबल होते हैं। हम यूज करते हैं टॉमकैट, हम इंस्टॉल करते हैं, JSP के कोड हम लिखेंगे। अब हमें एज को जो कैलकुलेट करना होगा वो पार्ट JSP में लिखेंगे या सर्वलेट में लिखेंगे, और इस तरीके से हम डायनामिक जो भी है वो सर्व करेंगे। सोनाली, डायनामिक और स्टेटिंग में कोई कोई डाउट नहीं सर, समझ आ गया। कंटेनर और सर्वर में कोई डाउट नहीं सर। कंटेनर एक बार फिर से बता दीजिए। सर्वर तो जनरल पर्पस हो गया, PHP के लिए भी अगर हम रन कर रहे हैं सर्वर बोलेंगे, .NET के लिए भी सर्वर बोलेंगे। सर्वर जो HTML हमें सर्व कर रहा है वो सर्वर है, लेकिन डायनामिक पार्ट की जहां बात करते हैं, जहां कैलकुलेशन की जरूरत है, वो कैलकुलेशन पार्ट JSP या सर्वलेट में हमें करना है। तो JSP सर्वलेट का कोड जहां रन करेगा ना वो कंटेनर हो गया। ये एक तरह का सर्वलेट के अंदर एक फीचर है या एक बोलो सबसेट है, सब पार्ट है। सर्वर के ही अंदर सर्वर HTML भी वो डिस्प्ले करवा रही है, इमेज भी डिस्प्ले करवा रही है, सब कुछ करवा रही है, लेकिन वो जहां पे JSP सर्वलेट से रिलेटेड कोड होंगे वो पार्ट जो है कंटेनर है। तो सेम वे में देखो, अभी क्लाइंट से हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा गेट का, ये रिक्वेस्ट है कि एक यूजर है जिसका नाम है वेद प्रकाश, उसका इंफॉर्मेशन से चाहिए। इससे पहले वो मेरा स्टोर जरूर किया गया इंफॉर्मेशन, लेकिन मेरा स्टोर किया गया है फर्स्ट नेम वेद, लास्ट नेम प्रकाश और मेरा DO भी किया गया है। अब हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए उस इंफॉर्मेशन में सिंगल नेम चाहिए वेद प्रकाश और DOB की जगह एज चाहिए। ये कॉल करेगा सर्वलेट, वो इंफॉर्मेशन लेकर के प्रोवाइड करेगी कंटेनर को। कंटेनर क्या करेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिया एक जगह वो आया। अब जावा प्रोग्राम में हमारे पास जो ऑप्शन है दोनों को प्लस करने का वो किया, और एज के लिए DOB में जो भी हमें प्लस माइनस कैलकुलेशन करना है वो किया गया, और दो वेरिएबल्स बन के आ गए, एक में नेम हो गया और एक में मेरे पास एज हो गया। अब ये कंटेनर जो है तो सर्वर को वापस वो इंफॉर्मेशन दोनों प्रोवाइड कर दिया, और सर्वर जो है रिस्पांस में हमें वो प्रोवाइड कर दिया। तो हमारे पास अब जो इंफॉर्मेशन होगा उसमें एक सिंगल नेम होगा वेद प्रकाश और सिंगल एज होगा DOB की जगह, ये एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होगा। तो अब हमें देखना है कंटेनर कैसे काम करता है। तो सेम जिसे हम बार बार रिक्वेस्ट बोल रहे थे, बार बार रिस्पॉन्स बोल रहे थे, उसी को इन्होंने एक नया नाम दिया एज अ प्रोग्राम स्पेसिफिक नेम, क्योंकि प्रोग्राम में हमें फिर लाइब्रेरी उसके लिए लिखनी है, प्रोग्राम उस लाइब्रेरी को यूज करेगा, तो अच्छा सा कुछ नाम देना है। तो उसके लिए HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स और HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट के लिए पार्ट के लिए वर्क होगा वो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के लिए, जो रिस्पॉन्स पार्ट है वो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ऐसा इसलिए किया गया है, इसमें जैसे HTTP से पता चल रहा है प्रोटोकॉल की बात हो रही है, सर्वलेट से पता चल रहा है कि जो प्रोग्राम है वो सर्वलेट है, और रिक्वेस्ट और रिस्पांस तो पहले से ही हमारे पास थे। अब क्या किया गया है कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। अब कहाँ करेंगे कैलकुलेट, अभी एज ही कैलकुलेट करना था, तो प्रोग्राम के कौन से पार्ट में करेंगे। तो HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो हमारे पास जावा क्लास थे,
उसमें उन्होंने दो मेथड्स दिए, डू गेट डू पोस्ट। डू गेट डू पोस्ट इसलिए दिया गया कि अगर जैसे हमने देखा रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स गेट है और पोस्ट भी हो सकता है, तो ये गेट और पोस्ट का जो वर्क होगा वो कहाँ होगा, इसके लिए गेट और पोस्ट है। तो अगर गेट है जहाँ पे अभी जैसे क्या है ऑलरेडी कैलकुलेशन, मैंने बोला था कि डीओबी जैसे मैंने डीओबी दिया वैसे ही स्टोर हुआ, मेरा एज फर्स्ट, मेरा नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम की तरह स्टोर हुआ, तो इसमें हमने पोस्ट किए तो पोस्ट की तरह वैल्यू आएंगे, सबसे पहले सबमिट होंगे। तो यहाँ पे ये जो जाएगा इन्फॉर्मेशन डू पोस्ट में जाएगा, लेकिन कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो सीधे वहां डाटाबेस कॉल करके उसे स्टोर कर दिया गया। लेकिन वही वैल्यू जब एज ए रिक्वेस्ट लिया गया है कि वो मेरे वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो वो गेट में जाएगा। अब गेट डाटाबेस से वो वैल्यू लेगा, लेकिन यहाँ पे वो प्रोसेस करेगा, ये गेट में प्रोसेस हुआ। तो ये ब्राउजर से जो है गेट और पोस्ट है उस हिसाब से डिफाइन होगा कि कौन से मेथड में प्रोसेस हो रहा है। हमारे पास मेनली HTTP रिक्वेस्ट रिस्पांस में दो ही मेथड हैं, गेट और पोस्ट। तो अगर मान लो पुट भी हमें प्रोवाइड करना है तो पोस्ट के अंदर होगा, डिलीट भी हमें है तो पोस्ट के अंदर होगा, गेट है तो गेट के अंदर होगा। अब वो जो भी एक सर्वलेट का प्रोग्राम है ये उसका लाइफ साइकिल है, समझना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अब यहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी है और सर्वलेट प्रोग्राम की जरूरत होगी। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि जितनी बार भी रिक्वेस्ट रिस्पांस आ रहा है और जितनी बार भी हम HTTP के भी जो सर्वलेट के लिए जो भी कर रहे हैं प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, तो सर्वलेट का एक लाइफ साइकिल होगा। फर्स्ट टाइम सर्वलेट का कोई लाइफ नहीं होगा, और उसके बाद जो है जैसे हमने कंस्ट्रक्टर की बात की थी, तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, उससे वो इनिशियलाइज होगा और इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर वो सर्विस फेज में जाएगा। सर्विस फेज में ही डू गेट डू पोस्ट टाइप के मेथड्स हैं, वो सर्विस में। उसके होने के बाद जैसे ही ये काम वगैरह खत्म हो जाएगा, डू गेट पोस्ट के प्रोसेसिंग खत्म होगी, तो सबसे लास्ट में अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो एक डिस्ट्रॉय मेथड है। इसका यूज कहाँ कैसे होता है, तो सर्वलेट में मान लो हमें डाटाबेस से कनेक्शन चाहिए और डाटाबेस के कनेक्शन को हम हमेशा मान के चलते हैं कि रिसोर्स हंगरी है, लेकिन जब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एज या जब हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम को ऐड करना है एक जगह एक स्ट्रिंग में, उससे पहले हमें डाटाबेस से कनेक्ट होकर डाटाबेस से वैल्यू चाहिए होंगे। तो ये जो वैल्यू हमें डाटाबेस से चाहिए, डाटाबेस से कनेक्ट होना है, वो डाटाबेस इनिशियलाइजेशन का या डाटाबेस से वो कनेक्ट होने का जो वर्क होगा वो कंस्ट्रक्टर के अंदर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि डू गेट या डू पोस्ट से पहले ही हमारे पास डाटाबेस कनेक्ट हो ताकि वैल्यू ले सके। ये वर्क कंस्ट्रक्टर के अंदर हो गया। सर्विस में अब गए तो गेट और पोस्ट में हम वैल्यू ले लिए, डाटाबेस से कैलकुलेट कर लिए। अब ये कनेक्शन जो है वो हम ओपन वैसे नहीं रख सकते हैं क्योंकि रिसोर्स संग्रह की बात है, रैम लिमिटेड है। अब डिस्ट्रॉय में हम क्या करेंगे कि कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से एक सर्वलेट का लाइफ साइकिल होगा। ये समझ में आया सोनाली? यस सर। डाटाबेस से कनेक्शन जो है वो हमेशा याद रखना, डाटाबेस से हो या फिर फाइल से हो, हमेशा कभी भी से इनिशियलाइज करना तो क्लोज जरूर करना, और कनेक्शन हमेशा लिमिटेड रखना, और हमेशा इसके लिए हमें कनेक्शन पूल यूज करते हैं। और नहीं करोगी आउट ऑफ मेमोरी चली जाओगी, रैम बर्बाद हो जाएगा, मींस खत्म हो जाएगा, सर्वर क्रैश करने लगेंगे। कनेक्शन पूल क्या है, जब हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि हम 10 या 15 लिमिट कर देते हैं और उतने कनेक्शन अवेलेबल होते हैं डेटाबेस के, और जिसे जब चाहिए होता है उस कनेक्शन पूल से ही ले रहे होते हैं। इससे हमें हर बार एक नया कनेक्शन नहीं बनाना होता है। तो ये कंप्लीट एक क्लास का, एक सर्वलेट का कैसे स्टार्ट होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे कैसे हैंडल होते हैं, कैसे इनिशियलाइज होते हैं, वो फ्लो चार्ट है। ये वेब कंटेनर है। अब इसमें मैंने वो डायनामिक कैलकुलेशन, एज कैलकुलेशन के लिए मैंने एक क्लास लिखा था जिसका नाम मैंने दिया था डायनामिक एज कैलकुलेशन, वो क्लास था सर्वलेट क्लास। अब सर्वलेट पे जैसे ही कॉल गया, ये कंस्ट्रक्टर रन किया, ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट हुआ, वो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। हम हमेशा जानते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर को कॉल जाता है।
जैसे कंस्ट्रक्टर को कॉल गया इनिट मेथड कॉल होगा। सर्वलेट के लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ये कॉल होता है, यानी डाटाबेस कनेक्शन हमें चाहिए या कुछ फाइल अगर हमें ओपन करके रीड करना है, तो ये सबसे परफेक्ट जगह है, सबसे परफेक्ट चॉइस है जहाँ पे हम इनिट के अंदर कर सकते हैं। इनिट शॉर्ट फॉर्म ही है इनिशियलाइजेशन का, कुछ भी इनिशियलाइज करना है इस मेथड के अंदर। अब रियल पार्ट सर्विस, यहाँ पे ही सारे रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल जो मेन कहानी जो भी है, जो भी प्रोसेसिंग है यही होगा। ये जितने भी ब्राउजर से हम लोग बात करते थे ना, मोजिला क्रोम, इनके जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोसेसिंग है, सब यही हो रहा है। तो ये जो है सर्विस पार्ट, जहाँ पे डू गेट है, डू पोस्ट है, ये मेन पार्ट है और जितनी बार भी कॉल हो सकता है। इनिट हमारे पास सिर्फ एक बार कॉल होता था, लेकिन सर्विस हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे कॉल होगा। ब्राउजर ने कुछ नया मांगा, चलो फिर से सर्विस को कॉल किया गया डू गेट पोस्ट को, कुछ और हैंडल करना है, अब सिर्फ एज कैलकुलेशन के अलावा भी कुछ और काम चाहिए, चलो कॉल किया जाए, सब सर्विस में आएगा। अब डिस्ट्रॉय मेथड, हमने जो इनिशियलाइज किया इनिट के अंदर उसे हमें क्लोज करना है, कहीं हमें क्लीन करना है, वो डिस्ट्रॉय में। डिस्ट्रॉय भी सिर्फ एक बार कॉल होगा और जब ऑब्जेक्ट का लाइफ साइकिल खत्म हो रहा होगा तब होगा। ये हमेशा क्लीनअप एक्ट, क्लीनअप का ये एक्ट है सबसे लास्ट का, डिस्ट्रॉय। आकृति समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें या समझने में? सर एक चीज बताइए, जो कंस्ट्रक्टर को कॉल जाता है वो लाइफ साइकिल में एक बार ही है और सर्विस मल्टीपल जाता है? हाँ, डिस्ट्रॉय भी एक बार है और डिस्ट्रॉय भी एक बार है ना। ठीक है सर। देखो मेन पर्पस वही है, ये हमारे केस में आंख बंद करके मानो कि वो डेटाबेस से कनेक्शन लेने के लिए होते हैं। मेन पर्पस यही है कि जो जो चीज इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो रिसोर्स हैवी है, वो एक बार आप यहाँ पे ले लो, लेके रख लो। लॉकडाउन में कैसे सारे सामान एक बार स्टॉक करके रख लो, फिर यूज करती जाओ। तो सारे इनिट मेथड में हम वैसे काम करते हैं जो रिसोर्स हैवी है, जो हमें चाहिए। सर्विस में जो भी हमें काम है ना, उससे पहले हम उसकी पूरी तैयारी करते हैं, नीट में डेटाबेस कनेक्शन वगैरह ले लेते हैं। सर्विस जितनी बार कॉल होगी होगी, और डिस्ट्रॉय में भाई कि चलो अब क्लोज कर दो, अब कहानी खत्म, या ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, फिर भी कनेक्शन डेटाबेस से लेके रखेंगे, तो वो जो रिसोर्स असाइन किया गया है डेटाबेस कनेक्शन के लिए, जो रैम असाइन किया गया है, वो परमानेंट रह जाएगा। तो चलो इसे पहले क्लोज कर दो, बता दो कि अब हमें डेटाबेस की जरूरत नहीं है, क्लीन कर दो। जब डेटाबेस प्रोग्राम देखोगी ना, तुम्हारे पास जैसे कनेक्शन लेने का अगर कोड है, तो हमारे पास कनेक्शन क्लोज करने का भी ऑप्शन होता है, कनेक्शन डॉट क्लोज। जैसे कनेक्शन लेने के लिए कनेक्शन क्रिएट न्यू कनेक्शन का अगर ऑप्शन है हमारे पास, तो कनेक्शन क्लोज करने का भी ऑप्शन है। तो क्रिएट कनेक्शन का जो कोड होगा वो इनिट मेथड में आ जाएगा, डिस्ट्रॉय में क्लोज का आ जाएगा, और बीच में जितने भी कैलकुलेशन है वो सब सर्विस में आ जाएंगे। डे टू डे लाइफ में हमें सिर्फ और सिर्फ सर्विस से मतलब होता है, और सर्विस के अंदर भी हमें डू गेट और डू पोस्ट से मेन मतलब होता है। इस तरीके से वो माना जो पहला ये, या जो बोलो कि अभी अगर अपूर्वा को मैं बोलूं कि अपूर्वा जाओ विजिट का या अपॉइंटमेंट का जो है कोड मुझे लिख के लेके आओ सर्वलेट जेएसपी पे, वैसे नॉर्मली हम अब उसी स्प्रिंग पे बोलते हैं, स्प्रिंग इसके ऊपर भी एक और रैपर है जो हमारी लाइफ को और इजी कर रहा होता है, पर अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी या मेन जो अभी काम है वो एग्जैक्टली यही सर्वलेट पे होता है, जेएसपी पे होता है। या हम सेफली अभी बोल सकते हैं कि हमारा जो भी एमवीपी अभी रन करेगा या जो भी एमवीपी बन के आएगा जावा में, वो सेम इसी जेएसपी सर्वलेट में होगा, उसमें ऐसे ही सर्विस मेथड होंगे, डू गेट डू पोस्ट होंगे। तो जैसे अभी हमने बात की कि हमें इनिट और डिस्ट्रॉय मेथड है, पर हर किसी को तो डेटाबेस से काम नहीं होगा, हर किसी को डेटाबेस चाहिए भी नहीं, डेटाबेस को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत भी नहीं है, तो भी उन्हें क्या प्रॉब्लम है कि इनिट मेथड लिखना होगा, डिस्ट्रॉय लिखना होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, और कुछ इंटरफेस क्लास ओवरराइड वगैरह के लिए हम दें, तो सिर्फ एक सर्वलेट नहीं, इसके अलावा हमारे पास ढेर सारे और चीजें हैं। तो जैसे इसे हम बोलेंगे जेनरिक सर्वलेट, जिसमें हम इनिट भी दे रहे हैं डिस्ट्रॉय भी दे रहे हैं।
अब इसे ही हम क्या कर रहे होते हैं कि एक्सटेंड करके एचटीटीपी सर्वलेट क्लास में लेते हैं, जिसमें एक डिफॉल्ट हम ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, या बोलो कि जैसे जिस टाइम में इनिट और डिस्ट्रॉय की जरूरत नहीं है तो मेथड हमें ना लिखना पड़े, ये ऑप्शन दे रहे होते हैं। इससे क्या होगा कि डेवलपर अप्रूवल वगैरह जैसे डेवलप करना स्टार्ट की और डेटाबेस का काम नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ सर्विस स्टार्ट किया, सर्विस मेथड लिखा, सर्विस मेथड के अंदर उसने डाल दिया इंफॉर्मेशन और काम चल गया। तो एक ऐसा सर्वलेट क्लास जिसमें इनिट ना लिखना पड़े, डिस्ट्रॉय ना लिखना पड़े, उस क्लास का नाम दिया गया एचटीटीपी सर्वलेट क्लास। और जिसमें इनिट और डिस्ट्रॉय हमें देना पड़ा उसका नाम हमने दिया जावा सर्वलेट जेनेरिक सर्वलेट क्लास। ये दो क्लास है और हमें जिस तरह की जरूरत है उस हिसाब से हम कोई भी क्लास उठाएंगे, चाहे वो जेनरिक सर्वलेट क्लास हो या फिर एचटीटीपी सर्वलेट क्लास हो। पर ऑलमोस्ट हर केस में नॉर्मली हम एचटीटीपी सर्वलेट क्लास उठाएंगे। एचटीटीपी सर्वलेट क्लास जैसे ही हम उठाएंगे हमें डिफॉल्ट ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा। और एचटीटीपी सर्वलेट में हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है हम देखते हैं। एक तो हमारे पास सर्विस है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पांस के लिए, फिर सर्विस है, उसके बाद हमारे पास डू गेट है, डू पोस्ट है जैसे हम लोगों ने बात की, इसके बाद हम लोग जैसे भी बात कर रहे थे हेडर इंफॉर्मेशन का, तो डू हेड भी हमारे पास ऑप्शंस है। अब यहाँ पे हमारे पास पुट डिलीट आ गया, पुट है, डिलीट है, ट्रेस है, लास्ट मोडिफाइड है, ये अब इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गए। अब क्या होगा कि अब अपूर्वा ने अपनी क्लास लिखने स्टार्ट किए या अदिति ने, वो एक्सटेंड करेगी इस HTTP सबनेट क्लास को और उसे सिर्फ और सिर्फ मन है कि मैं सिर्फ डू पोस्ट मेथड दूं, वो सिर्फ डू पोस्ट मेथड देगी, बाकी जो मेथड हैं जो इसके ऊपर जो दिख रहे हैं यहाँ पे उसका एक डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी अवेलेबल होगा। अब आदिति को मन किया कि डू पोस्ट की जगह मैं सिर्फ डू गेट लिखूं या डू पुट लिखूं, तो अगर वो एक्सटेंड कर रही है HTTP सर्वलेट क्लास को तो इजी वे में वो सिर्फ और सिर्फ उसी मेथड का इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगी और उसका क्लास सर्वलेट रन करेगा। अब होता क्या है कि जब हम कॉल कर रहे होते हैं सर्वर को तो हर रिक्वेस्ट रिस्पांस के लिए थ्रेड की जरूरत होती है। अब जो ब्राउजर है मेरा और एक ब्राउजर है प्रियंका का, एक ब्राउजर राघव का, तब तीनों ने किसी सर्वर से जो रिक्वेस्ट मांगा तो वो एक थ्रेड को असाइन किया जाएगा। थ्रेड एक या आप इसे बोलो एक हमारा वर्कर है या एक कोई एक ऐसा जिसे हमने असाइन किया, वो थ्रेड सर्वर से कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन ले करके रिस्पॉन्स दे रहा है। वो पार्टिकुलर जो है वो आपस में मिक्स ना हो, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मांगा सर्वो इन्फॉर्मेशन राघव को ना दे दे, प्रियंका का इन्फॉर्मेशन राघव के पास, राघव का प्रियंका के पास, प्रियंका का मेरे पास, इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हर वर्क हर रिक्वेस्ट जो साइन होता है एक थ्रेड को होता है और वही थ्रेड उस रिस्पॉन्स को फिर रिटर्न करती है। तो इस तरीके से हमारे पास थ्रेड होते हैं, थ्रेड ए बी, इस तरीके से हमेशा एक थ्रेड का पूल भी होता है, एक सेपरेट जो है पर क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब होता है कि जैसे क्लाइंट ए क्लाइंट बी है, क्लाइंट ए की जगह पे बोल दो क्लाइंट वे क्लाइंट बी है, मेरा कंप्यूटर या लैपटॉप है क्लाइंट ए, क्लाइंट बी है राघव का है। तो ये जो भी रिक्वेस्ट रिस्पांस होगा वो हमेशा जो है एक थ्रेड को असाइन किया जाएगा, वही थ्रेड जो है सो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा और उसी हिसाब से वो थ्रेड वर्क करेगा। यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट फिर से दिखाया गया है कि कंस्ट्रक्टर कैसे नहीं होता है, फिर इनिशियलाइज होता है और फिर कैसे डिस्ट्रॉय होता है। जब हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पांस है तो उसमें जो मेन हमारे पास मेथड्स हैं उसके बारे में बात की गई है इसमें या दिखाया गया है, ताकि हम आगे जब प्रोग्राम पे बात करें तो वो मेथड हमें याद हो। और हमें याद करना होता है जावा में या स्प्रिंग वगैरह में, सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें सारे मेथड्स नेम हमेशा याद रखने होते हैं। जैसे लॉगिन वगैरह ही हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं और हम जिस पेज पे भी जाते हैं फेसबुक पे, हम जिस पेज पे भी जाएं हमारा नेम सेम उस पेज पे जाने पे भी जो ऊपर जो नेम है वेद प्रकाश हर पेज पे दिखेगा। इस तरीके से ही किसी भी वेबसाइट पे जहाँ लॉगिन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे हमारे इंफॉर्मेशन हर पेज पे दिखते हैं। हम जो भी कर रहे होते हैं वो हमेशा लोकली स्टोर होता है, तो उसे हम सेशन बोलते हैं।
कई बार हमारे पास जो है फेसबुक वगैरह में ऑप्शन अवेलेबल होता है कि नेक्स्ट टाइम यूजर लॉगिन जो है वो इजी वे में हो सके, तो ऑलरेडी स्टोर करके और रिमेम्बर मी का ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। उसके लिए जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं अपने सिस्टम में वो कुकीज बोलते हैं। तो जब हम वेब की बात कर रहे हैं, वेब में तो ढेर सारी चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डू गेट डू पोस्ट से काम चल जाए। कुकीज है, सेशन है, स्ट्रीम, कई बार हम पीडीएफ फाइल में ब्राउजर में दिखाना होता है, डाउनलोड भी नहीं, हमें पीडीएफ ही स्ट्रीम करवाना होता है। आजकल यूट्यूब वगैरह है जिसमें हमें वीडियो स्ट्रीम करना हो, तो ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए ढेर सारे इस तरीके से मेथड्स हैं। तो मेन मेन मेथड जैसे हम देखेंगे, फ्रंट एंड से जैसे हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, नेम, एज, ये सब, तो वो सब पैरामीटर्स हैं। तो हमारे पास गेट एट्रीब्यूट ऑप्शन है, गेट कंटेंट लेंथ है, इनपुट स्ट्रीम है, लोकल पोर्ट है कि कौन सा पोर्ट है, पैरामीटर्स हैं फर्स्ट नेम वगैरह, वही पैरामीटर नेम से अगर हमें एक साथ लेना हो सारे वैल्यूज को, वो है। कई बार जब हम डायनामिक फॉर्म बना रहे होते हैं फ्रंट एंड में, डायनामिक फॉर्म में हमें ये नहीं पता होता उस टाइम में कि फील्ड नेम क्या होंगे या फील्ड नेम कितने होंगे, तो उस टाइम में जो है ये जो है गेट पैरामीटर नेम्स एनुमरेशन में, उसमें हमारे पास कंप्लीट सेट आ जाता है फ्रंट एंड। जब हम डायनामिक फॉर्म वगैरह डेवलप कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करना होता है R&D में, वो ये सॉल्व करना होता है कि फ्रंट एंड में काफी इजी है कि UI से हम एक नए फील्ड्स या नए वैल्यू देना, मतलब फ्रंट एंड काफी इजी वे में चेंज कर सकते हैं, नए हम चाहते हैं कि नए इनपुट बॉक्स हमें प्रोवाइड करना है, वो हम इजी वे में कर सकते होते हैं। लेकिन सेम टाइम में बैकएंड में जावा कोड में नए कोड हम नहीं लिख सकते हैं, उस टाइम में हमें वो आईडी चाहिए जो हम टेक्स्ट इनपुट वैल्यू, टेक्स्ट इनपुट जो हम HTML में नया प्रोवाइड कर रहे हैं डायनामिक फॉर्म के लिए, वो आईडी चाहिए वैल्यू के साथ। उस टाइम में हमें ऑप्शंस ऑलमोस्ट नहीं है, हम गेट पैरामीटर में वो आईडी पहले से नहीं दे सकते होते हैं। उन सब टाइम में हमें गेट पैरामीटर नेम्स के अगर हम यूज करें तो सारे आईडी जो भी फ्रंट एंड में है वो सारे के सारे एज ए लिस्ट हमारे पास अवेलेबल होंगे, उन सब टाइम में ये मेथड यूज होगा। नॉर्मल पैरामीटर है, गेट पैरामीटर उस टाइम में पैरामीटर होगा। पोर्ट नंबर कई बार डिफॉल्ट 80 नहीं होता है, हमें पोर्ट नंबर जानना होता है, पोर्ट नंबर है। कई बार हमारे पास स्ट्रीम में अवेलेबल होते हैं, फाइल अपलोड वगैरह ही हम कर रहे हैं, उसके लिए वो है, कंटेंट लेंथ है, एट्रीब्यूट जैसे नाम से पता चल रहा है हमें एट्रीब्यूट चाहिए, वो है। सेम इसी तरीके से हमारे पास रिस्पॉन्स इंटरफेस है, इसी तरीके से हमारे पास रिस्पॉन्स इंटरफेसेज हैं, गेट बफर साइज है, सेट कंटेंट टाइप है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि HTML होगा, टेक्स्ट होगा, XML होगा, क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन हम जो सेट कंटेंट टाइप देते हैं, और स्ट्रिंग में वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये HTML है, टेक्स्ट है, XML है, गेट राइटर है। जैसे हमें सर्वलेट में ही इंफॉर्मेशन अब आ गया, अब उसे हमें राइट करना है, जैसे सिस्टम डॉट प्रिंटलन था जावा में, सेम वैसे ही जो है सो राइटर है। तो इस तरीके से सर्वलेट रिस्पॉन्स है। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस अगर हम देखते हैं उसके बाद, तो उसमें कंटेक्स्ट पाथ है, मीन्स वो जो ऊपर में हम देते हैं facebook.com के बाद जो पाथ या वैल्यू है वो हमें बैकएंड में लेना हो। अब कुकीज की बात आ रही है, जो कुकीज वगैरह अभी भी ढेर सारे अब तो ऑप्शंस आते हैं जब डिस्प्ले हो रहा होता है कि हम कुकीज यूज कर रहे हैं आपको ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, उसे अगर हमने प्रोवाइड किया है तो रीड करना है, हेडर से कोई इन्फॉर्मेशन रीड करना है। सेशन जब हम लॉगिन वगैरह की बात करते हैं तो सबसे पहले जब लॉगिन होता है तो यूजर नेम हम लेते हैं और उसे सेशन में डाल देते हैं। अब आप जिस पेज पे भी जा रही हो उस पेज के सेशन से वो वैल्यू लेकर के आपको डिस्प्ले करवाया जा रहा होता है, वो सेशन है। सेशन नॉर्मली जब हम क्रिएट करते हैं तो वेबसाइट के जितने भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होंगे उस टाइम में वो इन्फॉर्मेशन हमें एज ए स्टोर करने का ऑप्शन मिल जाता है सेशन से।
तो इस तरीके से हमारे पास सारे मेथड हैं। इसमें सोनाली कोई डाउट? समझ में आ रहा है? यस सर। कुकीज आर बेसिकली द स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस ना? हाँ, वो छोटे से टेक्स्ट में हम वो कंप्यूटर सिस्टम में ही स्टोर कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट टाइम जैसे ही वेबसाइट फिर से जैसे लॉगिन कर रही हो तो हम लोग रीड कर ले रहे होते हैं। बहुत चालाकी वो चालाकी से हम ट्रेस कर रहे होते हैं कि क्या कर रही हो वेबसाइट पे, वो इसके लिए कुकीज यूज करते हैं। ओके सर। सर देयर आर टाइम्स कि हमारा स्लो हो जाता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, सो वी आर आस्क्ड टू क्लियर द कुकीज। तो जब हम कोई ऐप इंस्टॉल किया एप्लीकेशन एंड उसको हम डिलीट कर रहे हैं तो कुकीज वहीं पे रहती है, वो डिलीट नहीं होती है। देखो कुकीज ये देखना होगा कि होता क्या है कि ब्राउजर का काम होता है मेन कुकीज रीड करना और स्टोर करना। तो होम क्या करता है कि एक फोल्डर बनाया, नॉर्मली अभी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हम लोग सारे लोग गूगल क्रोम वगैरह ही यूज कर रहे हैं, या कोई मोजिला वगैरह भी अगर कर रहा है तो वो कोई भी जो इंटरनेट ब्राउजर है वो क्या करता है कि स्टोर करना स्टार्ट करता है कुकीज को, और ब्राउजर हमेशा उस कुकीज को रीड कर रहा है। स्पेस लिमिटेड है, मींस रैम वगैरह लिमिटेड होता है। अब तो खैर हमारे पास 8 GB या 16 GB कॉमन हो चुका है लैपटॉप में रैम, पर जब रैम लिमिटेड है उसमें से भी लिमिटेड रैम यूज कर रहा है क्रोम वगैरह, तो कुकीज को जो बार बार रीड कर रहा होता है ना तो स्लो क्रोम हो रहा है। क्रोम क्या कर रहा है कि वो कुकीज वगैरह को रीड करने में ज्यादा टाइम ले रहा है तो वे पेज लोड हो रहा है। वेब पेज जैसे कुकीज में कई बार हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि वेब पेज कौन सा पसंद है, कस्टमाइजेशन में कई बार हम कलर वगैरह या अगर फॉरम वगैरह यूज की होगी, जैसे फेसबुक वगैरह कहाँ से आया है पता है सुना ले? सबसे पहले इस तरीके से फॉरम आया था ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम वगैरह, तो ये नॉर्मली फेसबुक वगैरह वहीं से आया है फॉरम वगैरह। तो फॉरम वगैरह यूज करोगी तो ढेर सारी जगहों पे ऑप्शन आता था कि कलर आप सेलेक्ट कर सकते होते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड में, किधर आप फ्रेंड यूज करना है देखना है। तो कई बार कुछ कस्टमाइजेशन है या बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा कुकीज में स्टोर होती है, तो हमेशा जो पेज जब लोड होता है ना तो सबसे पहले उसे आपके बिहेवियर के बारे में जानना है, तो सबसे पहले उसे रीड कर रहा होता है। फर्स्ट पेज लोड से पहले हम कुकीज रीड कर रहे हैं, कुकीज ढेर सारे हैं सब रीड कर रहे हैं, स्लो होगा। तो एक टाइम के बाद हमें बोला जाता है कि अगर स्लो है या कई बार कुकीज वगैरह रीड करने में प्रॉब्लम होती है, कई बार ब्राउजर इस तरीके से बिहेव करता है जैसे नहीं करना हो किसी पर्टिकुलर पेज वगैरह पे, तो हमें बोला जाता है कि कुकीज को डिलीट कर दिया जाए। कुकीज क्लीन करते हैं तो फिर फ्रेश सही से काम कर रहा होता है। लेकिन उस टाइम में देखोगे अभी ही ढेर सारे कुकीज अगर स्टोर हैं और एकाएक क्लीन कर दो ब्राउजर से सारे अगर हिस्ट्री वगैरह, तो पेज लोड होने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि ऑलरेडी वो एक डीएनएस में क्वेरी करने की जगह ऑलरेडी उनके पास इंफॉर्मेशन होता है कि डायरेक्ट इसका आईपी एड्रेस ये है वहां कॉल करो, इस वजह से वो स्लो होता है। तो उसके बाद जब देखोगे कि यूजर नेम पासवर्ड वगैरह स्टोर करके रखी हो वो डिलीट हो जाएगा, फिर से फेसबुक वगैरह आपसे यूजर नेम पासवर्ड फिर से मांग रहा होगा, या फिर फेसबुक में आजकल अगर लैपटॉप से लॉगिन करने की आदत होगी तो पता होगा कि लेफ्ट साइड में एक इमेज जैसा आ जाता है यूजर, जैसे इस पे क्लिक करो तो पासवर्ड मांगते हैं, कई बार अगर आपने रिमेम्बर भी कर रखा है तो डायरेक्ट लॉगिन करवा देता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। okay, वो कुकीज की वजह से। पर अब यूरोपियन कंट्रीज ने एक लॉ लाया है कि अब स्पेशली आपको परमिशन लेना ही लेना होगा यूजर से कुकीज अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आजकल जो भी वेबसाइट देखती होगी तो हमेशा एक ऑप्शन आता है कि हम कुकीज यूज कर रहे हैं, जब आप ओके करती हो तो फिर नीचे एक छोटा सा बॉक्स आता है। हां हां यूरोपियन कंट्रीज में वी गेट अगर सपोज मैं किसी वेबसाइट पे गई हूं एंड देन उससे मुझे एडवर्टाइजमेंट्स आने लगते हैं आज इंटरनेट रन कर रहा है और हम कुछ भी रन कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं और हम पैसे नहीं दे रहे हैं, कैसे वो कहाँ
आज मुझे ही अगर टेक्निकली एक फेसबुक जैसा वेबसाइट बनाना हो तो मेरे लिए मैक्सिमम अगर मैं बोलूं तो 2 महीने, और अगर यूआई वगैरह वैसे ही देना हो तो मान लो 6 महीने। या इंडिया में ही टीसीएस सीटीएस जैसी कंपनीज क्या नहीं बना सकती है फेसबुक? बना सकती है। प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर हम वो बनाते हैं और यूजर यूज करता है तो सर्वर का जो बिल है, कॉस्ट है, वो कहाँ से आएगा? नहीं दे सकते हैं हम उसे प्रॉफिटेबल बनाने में ही नहीं बना सकते हैं। सवाल ये होता है तो क्या होता है कि एड जो है ना वो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। तो सिर्फ कुकीज ही नहीं, अभी ब्राउजर में ही अगर सेटिंग में जाओगी क्रोमियम में, क्रोम में, और अगर लाइनक्स यूज हो रहा है कर रही हो तो क्रोमियम होगा उसमें, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कि ट्रेस, हर वेबसाइट ट्रेस करती है लोकेशन, और तो और कौन सा वेबसाइट यूज किया गया। अगर फेसबुक यूज करती है तो फेसबुक को ये भी पता होता है कि इससे पहले कौन से वेबसाइट को यूज किया गया है, कौन से बाद में यूज किया जाएगा। तो सिर्फ कुकीज ही नहीं, कुकीज एक ऑप्शन है, उसके अलावा खुद ब्राउजर से, ब्राउजर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ब्राउजर में भी सेटिंग में ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन ट्रेस मत करो, मैं कौन कौन सा वेबसाइट यूज करती हूँ मत देखो। हम एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्रोम हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के साथ ये बोलेगा कि ये यूजर नहीं चाहता कि इसे ट्रेस किया जाए, फिर भी ये ट्रेस करते हैं करेंगे। फेसबुक तो कंटिन्यू कंट्रोवर्सी में ही इसके लिए, और इन लोगों का मेन रेवेन्यू इसी चीजों से आता है, तो ये प्रोफाइलिंग करते हैं। कई बार कहा जाता है कि हमसे बेहतर इन्हें पता होता है कि हमारी क्या पसंद है नापसंद है, हमारे कैसे फ्रेंड है फ्रेंड नहीं है, हम राइट विंग से हैं, लेफ्ट विंग से हैं, लिबरल हैं, क्या है, ये इन्फॉर्मेशन हमसे कहीं ज्यादा बेहतर गूगल और फेसबुक वालों को पता होता है। हमारा हर एक मूवमेंट ट्रेस किया जाता है नेट पे। ओके सर, इसलिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, वीपीएन वगैरह हैं या फिर उस तरह के ब्राउजर हैं जो इस तरह की चीजों को कुछ हद तक रोक सकते होते हैं या रोकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग जिस तरह के डे टू डे लाइफ में हैं, जिस तरह की चीजें, हमें उतनी ज्यादा भी प्राइवेसी की जरूरत नहीं होती है। अब हमें पता है कि प्राइवेसी जैसा कुछ भी नहीं है, मजाक बन के रह गया है, लेकिन फिर भी क्या करोगे, ये एक लाइफ है जो हमने चूज किया है। तो जो हैकर्स हैं या अंडरवर्ल्ड हैं, या फिर कहा जाता है कि अभी जो भी इंटरनेट एक्सेस कर रही हो वो 1% भी नहीं है, इससे कहीं ज्यादा एक डार्क वेव है जो हम एक्सेस नहीं कर रहे होते हैं। तो उन चीजों के लिए, या फिर ऐसे लोग जो लॉ एजेंसी वगैरह से बचना है उन्हें, तो ढेर सारे ऐसे ब्राउजर अवेलेबल हैं जिसमें कि ट्रेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो हमारे स्कोप से बाहर है, तो वो भी हैं ऑप्शंस। पर नॉर्मली जो हम लोग डे टू डे कर रहे हैं, वो जो भी हम कर रहे हैं ट्रेस हो रहा होता है। ओके सर, इवन जब हम बोलते हैं कि HTTPS यूज हो रहा है, तो ये सब जो इंक्रिप्शन है वो ऑलरेडी काफी पहले यूएसए वगैरह में, रशिया वगैरह, चाइना वगैरह में ब्रेक किया जा चुका होता है, और गवर्नमेंट ऑलरेडी मॉनिटर कर रही होती है, कर सकती होती है। मोस्टली इंक्रिप्शन वगैरह में जो आज हम बोल रहे होते हैं कि ये इंक्रिप्शन यूज हो रहा है और इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता है, गवर्नमेंट मिनिमम 10 ईयर का एक बफर रखती है कि गवर्नमेंट के लिए वो हमेशा ब्रेक हो चुका होता है वो चीज। तो जो हम HTTPS वगैरह की बात करते हैं वो एक नॉर्मल की, हाँ भाई, एक नॉर्मल क्रिमिनल जो एक स्टेट क्रिमिनल नहीं है, स्टेट स्पॉन्सर नहीं है, उनसे बचने के लिए हम बोल रहे होते हैं HTTPS या इंक्रिप्शन की बात। एक स्टेट वगैरह के लिए, CIA वगैरह के लिए नॉर्मल चीजें होती हैं। इंटरनेट पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि प्राइवेट है, और वहां छोड़ो, यही सर्वर पे जो रिस्पांस भेज रही हो तो हेडर में इंफॉर्मेशन है। मुझे अगर मैं अपने सर्वर आज बना रहा हूँ और उसे कोई ब्राउज कर रहा है, मुझे उस लैपटॉप के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे ये भी पता होगा कि स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या है, साइज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अपडेटेड है नहीं है, इस तरह की चीजें हैं। ओके सर, इसलिए रेगुलर बेसिस पे जो है सो क्लीन करते रहना चाहिए कुकीज वगैरह को। ओके सर, और गूगल की जगह पे कुछ ऐसे सर्च इंजन भी हैं, DuckDuckGo वगैरह और कुछ और भी हैं, जो बोलते हैं कि वो ट्रेस नहीं करते हैं और उस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोफाइलिंग नहीं करते हैं,
पर हम लोगों को गूगल के बिना काम चलता भी नहीं है, चल भी नहीं सकता। तो गेट और पोस्ट में वही जो डिफरेंस वगैरह की हमने बात की थी, पोस्ट सेफ नहीं होता है, पोस्ट को हमेशा अनसेफ मान के चलो, पोस्ट हमेशा चेंजेस लाएंगे और चेंजेस या साइड इफेक्ट कई बार वो नहीं हो सकता है जो हम चाहते हैं। गेट में विजिबल नहीं होगा जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे, गेट में विजिबल होगा पोस्ट में नहीं होगा, क्योंकि गेट जो है पैरामीटर पास करने के लिए, इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए एड्रेस बार यूज करती है, जबकि पोस्ट जो है एक सेपरेट बॉडी यूज करती है जिसमें हम पेलोड बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं, जिसमें कि वो वैल्यू जाता है। गेट में बॉडी नहीं होती अवेलेबल, पोस्ट में वो बॉडी होती है। जैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सबसे नीचे का पार्ट, ये जो है ये पार्ट की बॉडी है। तो HTML में किसी ने फ्रंट में अगर फर्स्ट नेम नाम दिया है और हमें बैकएंड में वो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो जो मेथड है वो है स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, उसका इक्वल होता है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर होता है। और अगर वही पैरामीटर की जगह पे हमें हिडन इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमने मैंने भी बोला कि अगर मेरे सर्वर पे सोनाली या दीति कोई भी लॉगिन कर रही है और मुझे जानना है कि वो कौन सा ब्राउजर यूज करती है, और नॉर्मली हमें जानना होता है इसलिए नहीं कि हमें जासूसी करनी है, कई बार होता है क्या कि जो हमारा HTML पेज है वो एक टाइम में वार स्टार्ट हुआ था जावास्क्रिप्ट वगैरह था, तो डिफरेंट वे में बिहेव करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जावास्क्रिप्ट कुछ सपोर्ट करती थी, सेम टाइम में मोजिला नहीं करती थी, मोजिला के अपने थे, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बोला कि मैं अपना बनाऊंगा। तो हमें कई बार यूजर एजेंट जानना होता है, उस पर हम कस्टमाइज कंटेंट भी दे सकते होते हैं। तो अगर हम मैं सिर्फ ये कोड लिख दूं सबनेट में स्ट्रिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर और यूजर एजेंट मैं दे दूं, ये यूजर एजेंट एक वेरिएबल है जो हेडर हमेशा पास करता है, मींस ये डिफाइन है, प्री डिफाइन। तो ये स्ट्रिंग क्लाइंट को अगर सिस्टम आउट प्रिंटर एंड क्लाइंट कर दें तो वो मोजिला है या फायरफॉक्स है, क्रोम है, क्रोमियम है, वो इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा। सेम इसी तरीके से हमने कुकीज की बात की थी, लैपटॉप में कुकीज जो अगर मैंने पहले सेट किया कर रखा है, सेट कर दिया है, उसे हमें रीड करना है, तो कुकी कुकीज रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, ये रिक्वेस्ट जो है HTTP सबनेट में बाय डिफॉल्ट आता है, सर्वर ये हमें प्रोवाइड करता है, बस उस पे हमें जो मेथड्स हैं वो डॉट करके कॉल करने होंगे, वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कुकीज हमेशा याद रखना कि एरे में आता है, इसलिए कुकीज है और वो साइन एरे का है, क्योंकि कुकीज जो है वो एक सिंगल वैल्यू नहीं होगा, कुकीज ढेर सारी होंगे, टाइम टू टाइम हम डालते रहते हैं। अब अगर हम लॉगिन सपोर्ट कर रहे हैं, लॉगिन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास यही है सेशन, HTTP सेशन, सेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ये हमें सेशन प्रोवाइड करेगा। अब हमने बात की थी कि गेट पोस्ट पुट, अब हमें जानना है रियली कि वो मेथड था क्या, सही में वो गेट था कि पोस्ट था। वैसे तो हम गेट और पोस्ट दे रहे हैं, डू गेट डू पोस्ट मेथड दे रहे हैं, तो कॉल तो उसे कर ही देगा, करना ही है, फिर भी मेरा मन है कि जानना चाहते हैं या फिर कहीं प्रिंट करना चाहते हैं कि मेथड क्या था, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड है, इससे हमें मेथड पता चल जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट मेथड है और हमें याद करना ही होता है, ये कम्प्लीटली हमें याद करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो मेथड प्री डिफाइन है, जावा और माइक्रो सिस्टम वालों ने कभी लिखा था, हम याद करते हैं, कॉल करते हैं, वैल्यू लेते हैं। तो ये तो था जब वैल्यू लेना था और HTML वगैरह, लेकिन कई बार हमें कुछ वैल्यू ऐसे देने होते हैं जो डाउनलोड करवाना होता है। अभी मैंने मुझे कुछ अगर PDF या कोई फाइल या कोई जार कुछ और नहीं, बस जिप फाइल को का ही एक डिफरेंट फॉर्मेट है, तो अगर हमें कुछ किसी को डाउनलोड के लिए देना है, वहां पे हम स्ट्रीम की बात करते हैं। तो अभी इसमें वही हम बात करेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, अभी तक कंटेंट टाइप हम टेक्स्ट और HTML यूज कर रहे थे, अभी हम एप्लीकेशन जार हमने यूज कर दिया, इससे पहले पब्लिक वाइड डू गेट, वही डू गेट मेथड है, पैरामीटर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमने पास किया है, और एक्सेप्शन है IO एक्सेप्शन और सबनेट एक्सेप्शन, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ ये डू गेट में जब हम पास कर रहे होते हैं, तो ये डू गेट को सबनेट जिस कंटेनर टॉमकैट हमने डाउनलोड किया है ना, वो कॉल करेगा और ये दोनों पैरामीटर पास करेगा। मीन्स जैसे ही ये डू गेट ये मेथड तक हमारा रन हुआ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। अब इस मैंने जैसे बोला था सेट कंटेंट टाइप, ये सब मेथड हमारे पास अवेलेबल है, तो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप हमने जैसे एप्लीकेशन जार दिया,
अब ये सेट हो गया कि चलो ये जार फाइल को ये सर्व करने वाला है ये पेज। उसके बाद सबनेट कॉन्टेक्स्ट हमने दिया और कॉन्टेक्स्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गया। कॉन्टेक्स्ट मीन्स वो पाथ आ गया हमारे पास। अब हमें स्ट्रीम चाहिए क्योंकि हमने डाउनलोड के लिए ऑप्शन दे रहे हैं ना, तो इनपुट स्ट्रीम आईएस जो है उसके बाद उस वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म आईएस दिया गया इनपुट स्ट्रीम के लिए, वो जैसा लग रहा है तो आईएस है इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम। और इससे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट लिया था गेट रिसोर्स एज स्ट्रीम, हमें से कॉन्टेक्स्ट पे कॉल होता है तो सीटीएक्स डॉट गेट रिसोर्स एज स्ट्रीम है, इसके अंदर वो जो भी हम डाउनलोड के लिए ऑप्शन देना चाहते हैं वो है और वो वैल्यू वहां पे हमारे पास होना चाहिए सर्वर पे। उसके बाद वो रीड का कोड है int read 0 0 से हमने स्टार्ट किया, बाइट बाइट है, न्यू बाइट है, ये 1 GB का हमने बाइट का ये दिया वैल्यू दिया, मींस मिनिमम ने 1 GB से स्टार्ट किया है। उसके बाद आउटपुट स्ट्रीम के कोड्स हैं। उसके बाद लास्ट में जैसे मैंने बोला कि हमेशा हम जो हैवी रिसोर्स कुछ भी करते हैं तो यहाँ पे हमने इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स हैवी है, जिसे हम क्लोज कर रहे हैं os dot flush os यहाँ पे output stream था और os dot close flush किया फिर close किया program का। ये जब भी run करेगा कोई भी server को call करेगा और last में अगर उसने book को dot jar type किया तो उसके laptop में computer में system में book dot jar जो भी file है हमने जो रख रखा है server पे वो download होना start हो जाएगा। ये एक program था जिसमें हमने html की जगह पे content type different use किया जा रहा और ये इसका code है। सोनाली आकृति समझने में दिक्कत हुई होगी पर वही है कि ये प्रैक्टिस चाहिए और फिर वो डे टू डे प्रोग्रामिंग होनी चाहिए तो फिर ये पार्ट समझ में आएगा। जावा तो अभी एक ही दिन हुआ था लेकिन अगर रियली कभी जावा पढ़ना स्टार्ट करोगी और इस तरीके से कोई सर्वलेट का कोड लिखना हुआ जिसमें कि कोई डाउनलोड के लिए देना होगा तो ये पार्ट है, यही कोड है, सिर्फ इतना लिख दोगे डाउनलोड का ऑप्शन दे सकोगे। आज ही अपूर्वा ने कुछ दिन पहले कुछ वीडियो फाइल्स हमें डाउनलोड के लिए बोला या दिया, अभी भले उसके लिए गूगल वगैरह यूज किया गया हो, अब उसे मन किया कि भाई मैं इंजीनियर हूँ चलो मैं अपना एक सर्वर अपना एक फाइल खुद से दे, वो सिर्फ ये कोड लिखती और बुक को डॉट जार की जगह वो वीडियो फाइल का नेम होता और हमें बस यूआरएल पता होता, हम क्लिक करते डाउनलोड होता, यही वो तरीका है। आज ही जो हम लोग कुछ भी डाउनलोड कर रहे होते हैं उसके लिए इस तरीके से आउटपुट स्ट्रीम ओपन होता है और इस तरीके से ये होता है जब भी अगर बैकएंड जावा में हो तो। ये समझ में आया? देखो आगे अब प्रोग्रामिंग वगैरह ही है तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, अगर मैं जावा या फिर ये पढ़ा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट के बाद एक टाइम में मुझे अगर कोड दिखाने हैं तो कोडिंग इस तरीके से है ही। ठीक है सोनाली आकृति, ये कोड है और आगे फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है डिस्पैचिंग और रिडायरेक्ट वगैरह का, क्योंकि हम कई बार रिडायरेक्ट कर रहे होते हैं या फिर डिस्पैच कर रहे होते हैं जेएसपी वगैरह, तो ये फिर हम लोग 2 बजे से फिर देखते हैं। यस सर, प्रोग्राम पार्ट भले समझ में ना आए लेकिन ओवरऑल एक लाइफ साइकिल या कैसे काम करता है या वगैरह की हम बात करते हैं वो, या कल जब हम लोग एमवीपी पे ही कभी डिस्कस कर रहे होंगे या एपीआई वगैरह के डॉक्यूमेंट देख रही होगी तो चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे ये लाइफ साइकिल वगैरह समझने के बाद। ठीक है? यस सर। ठीक है तो फिर 2 बजे हम लोग और आगे देखते हैं। ठीक है सर।